हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, हमारी ऑनलाइन DTS सीरीज चल रही थी, JEE मेन पैटर्न पे बेस्ड। उसका आज हम लास्ट जो मेजर है फुल सिलेबस, जो 26 जून को हुआ है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है क्या? तो ये वैसे आखिरी नहीं है, एग्जाम जब तक होगी तब तक हमारे पेपर कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसी के जस्ट बाद हमारे पास एक और टेस्ट सीरीज आने वाली है, शेड्यूल आपके पास पहुंच जाएगा। तो बस दिन रात लगे रहना है अपने को, जब तक हमारा जो गोल जो है वो हमें अचीव नहीं हो जाता। क्लियर है क्या? तो उम्मीद है सबका पेपर अच्छे से गया होगा। आप पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो सभी लोग अपना अपना जो पेपर है वो साइड में पैरेलल में ओपन कर लें। टेस्ट कोड है इसका 2794, 26 जून का फुल सिलेबस JEE मेन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं, देखो डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सेक्शन ए का क्या बोला है। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड, कि ये एक एंड पर 1 मीटर की एक स्ट्रिंग है जो कि फिक्स्ड है, और इसमें एक बॉब लटका हुआ है जिसका मास भी हमें दे रखा है 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg। बोला है द स्ट्रिंग रिवॉल्व्स विद टाइम पीरियड π/2 सेकेंड अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे एक वर्टिकल एक्सिस पास हो रहा है और इसके अबाउट ये क्या कर रही है, यूं सर्कुलर मोशन कर रही है, और उसका टाइम पीरियड दे रखा है तुम्हें π/2 सेकेंड। बेसिकली ये जो है हमारे पास एक कॉनिकल पेंडुलम है, सबने पढ़ा हुआ है, ये कॉनिकल पेंडुलम है। क्लियर? तो बोला द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद वर्टिकल, कि भाई इस वर्टिकल एक्सिस से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ये एंगल थीटा फाइंड करना है। तो कोई खास टफ टास्क नहीं है, इजिली तुम कर सकते हो। कैसे देखें जरा, तो ये थीटा है तो ये हाइट हो जाएगी 1 cos θ, ये रेडियस जो है इस सर्कल की ये हो जाएगी 1 sin θ। ठीक, अब देखो जरा, तो इस बॉब को इस सर्कल में अगर अपन देखें तो यहां पर इधर लग रहा होगा इस पे टेंशन टी, साथ में नीचे लग रहा होगा इस पे mg, और इसी के रेस्पेक्ट में बात कर लो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इस पे बाहर की तरफ m ω² r, जहां r की वैल्यू साइन थीटा है। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, अब देखना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखो, ये वेक्टर इसको यहां से उठा के यहां रख दूं मैं, तो टेन थीटा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा हो जाएगा m ω² r/mg। तो यहां से टेन थीटा आ गया m ω² r/mg, m से m गया, तो टेन थीटा बराबर, हमें थीटा ही फाइंड करना है। ओमेगा की वैल्यू लिखी जा सकती है 2π/T, और t की वैल्यू दे रखी है π/2 सेकेंड। क्लियर? का स्क्वायर, r की वैल्यू दे रखी है sin θ, g की वैल्यू दे रखी है 10। ठीक, तो ये तो पाई से तो पाई गया, टेन थीटा को लिख सकते साइन अपॉन कॉस, एक साइन कट जाएगा तो 1 cos की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16/10। क्लियर? तो कॉस थीटा का मान क्या आ गया 8/5, या 1 cos θ का मान आ गया 8/5, तो ये हो गया 5/8। तो थीटा का जो मान है वो रहा होगा यहाँ कॉस इनवर्स 5/8, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला अ स्ट्रिप ऑफ वुड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है कि ये जो है हमारे पास एक स्ट्रिप है जिसकी लेंथ जो है वो एल दे रखी है, और ये रखी हुई है स्मूथ सरफेस पे, मतलब यहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगने वाला। बोला है इसके ऊपर क्या है, एन इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्ट्रिप, वॉक्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड रीचेज द अदर एंड इन टाइम टेबल, कि इसमें क्या है, यहां कहीं कोई भी इंसेक्ट है जो कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है आगे की तरफ। मैं मान लेता हूं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है इसकी v1, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब जब इंसेक्ट आगे जाएगा तो इंसेक्ट आगे जब जाएगा तो ये प्लैंक पे फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, रिएक्शन इसको आगे मिलेगा, बट टोटल सिस्टम पे फोर्स तो जीरो होगा भाई। सिस्टम पे टोटल फोर्स तो क्या होगा, जीरो की। ये आगे जाएगा कैसे, कि ये आगे जाएगा। क्लियर? तो ये इसको धकेलेगा पीछे की तरफ किसी एफ फोर्स से, तो इस पर रिएक्शन लगेगा आगे, बट पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं मूव नहीं करेगा, पहले भी वहीं था अभी भी वहीं रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। क्लियर है क्या? तो अगर ये v1 से आगे जा रहा है तो मैं मान लेता हूं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो स्ट्रिप है नीचे, इसकी वेलोसिटी आ जाती है पीछे की तरफ v2। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, अब ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगी, क्यों, इसका मास m मान लूं, इसका मान कैपिटल m मान लूं, तो हम बोलेंगे इनिशियली मोमेंटम जीरो था, फाइनली भी क्या हो जाएगा mv1 - mv2, ये भी जीरो रहा होगा। अब m कांस्टेंट, v1 कांस्टेंट, तो v2 भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। ठीक है भाई, अब बोला है
कि भाई ये इंसेक्ट जो है इस एंड से यहां पहुंच गया। तो अगर मैं इस स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में देखूं तो स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो इंसेक्ट कितना चला, यहां से यहां पहुंच गया, मतलब एल चल गया। किसके रेस्पेक्ट में? स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में। तो बोला है कि भाई इसको अदर एंड पे पहुंचने में टी1 टाइम लगा है, अब फ्लाई वो वर्टिकली ऊपर की तरफ उड़ गया और स्ट्रिप पीछे की तरफ एल से मूव किया है तो उसमें टाइम टी2 लगा, तो उनमें रिलेशन बताना है। समझ जरा क्या कहानी है कि यहां से इसको यहां तक आने में टी1 टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूं, विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिप बात कर लेता हूं, विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिप। तो देखो इंसेक्ट का प्लैंक के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हो जाएगी, इंसेक्ट की वेलोसिटी माइनस प्लैंक की वेलोसिटी। तो v1, तो v1 है आगे की तरफ प्लस मान लो, माइनस v2 पीछे की तरफ है तो इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2। तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में या स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में ये जो इंसेक्ट है आगे जा रहा है v1 प्लस v2 से, और कितना जाएगा? l जाएगा। तो यहां तक आने में जो इसको टाइम लगेगा वो हो जाएगा l अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर? ये तो पहला केस है। उसके बाद क्या कहानी हुई है कि भाई जैसे ही अदर एंड पे पहुंचाना, यहां ये पीछे जा रहा था v2 से, तो इंसेक्ट जो है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ उड़ गया। क्लियर? अब वर्टिकली ऊपर जाएगा तो इस पे ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगा होगा उस टाइम पे, जंप करते टाइम पे एफ, और इस पे लगा होगा नीचे, बट उससे हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये जो स्ट्रिप है अभी भी पीछे v2 से जाती रहेगी। क्लियर है क्या? तो बोला है कि जब ये उड़ जाता है तो ये प्लैंक अब और इधर की तरफ एल डिस्टेंस कवर करता है, उसमें टाइम t2 लगता है। तो t2 की वैल्यू लिख सकते हैं कवर्ड डिस्टेंस अपॉन इसकी वेलोसिटी v2। अब बोला इनमें से कौन ज्यादा कौन कम, तो हम साफ साफ देख सकते हो कि यहां नीचे वाली क्वांटिटी ज्यादा है तो ये टाइम कम रहा होगा और ये टाइम ज्यादा रहा होगा। क्लियर है क्या? ये कम है, ये ज्यादा है, तो t1 लेस देन t2 करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो सभी लोग उम्मीद है मुझे वैसे जोश में लग रहे होंगे तैयारी करने, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है अब हमारे और सिलेबस सबका कंप्लीट हो ही रखा है, बस प्रैक्टिस करते हुए रहना। ध्यान देना एक चीज का कि देखो साल भर चाहे कितनी मेहनत की है अपने, ठीक है, अगर इस लास्ट टाइम पे अगर हमने कंटिन्यूटी तोड़ी ना, कंटिन्यूटी अगर ब्रेक की, तो भाई सब बहुत नुकसान होने वाला उसका। क्लियर है क्या? तो जिस दिन जब तक तुम्हारा JEE Main JEE एडवांस नहीं हो जाता तब तक हमें लगातार लगे रहना है, एक भी दिन जो है वो फालतू नहीं बैठना, क्योंकि जितनी कंटिन्यूटी में हम रहेंगे उतना माइंड हमारा चीज़ों से कनेक्टेड रहेगा, उतना शार्पली काम करेगा। वरना ये हाल रहेगा कि बीच में ब्रेक ले लिया ना तो एग्जाम के टाइम पे हमें फॉर्मूले भूल जाएंगे, हम कई तरह के कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, छोटा छोटा कन्फ्यूजन आएगा, यार फॉर्मूले में नीचे 2 था या ऊपर 2 था, समझ रहे हो? बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कन्फ्यूजन। तो लगातार रहना है एग्जाम तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा। बोला टू पार्टिकल आर मूविंग इनिशियली इन सेम डायरेक्शन अंडरगो वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। कि भाई वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, मतलब हेड ऑन कॉलिजन है, वो भी इलास्टिक। तो बोला है उनकी बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन रिलेटिव वेलोसिटी b1 b2 है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है पूछा, नॉट करेक्ट पूछा है। समझना जरा क्वेश्चन क्या, कि भाई ये हमारे पास पार्टिकल है a और b, इसकी वेलोसिटी इधर आगे की तरफ ua, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ ub। कॉलिजन हुआ इनके बीच में, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ हो गई va, इसकी वेलोसिटी हो गई vb। क्लियर? और अगर हम इस कॉलिजन के लिए e की वैल्यू लिखे तो वो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही लिखते हैं, राइट? इसी को अगर मैं माइनस कर दूं यहां तो ये बन जाएगा यूबी माइनस यूए। ये बेसिकली क्या है, यूबी माइनस यूए, आप यूबी बीबी माइनस बीए है आपके पास, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में आफ्टर कॉलिजन, मतलब ये बी2 है जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये है बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में बिफोर कॉलिजन, मतलब ये बी1 है। अब इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से रिलेशन आ गया b2 बराबर माइनस b1 वेक्टर, अपोजिट वेक्टर होगा दोनों एक तरह से। क्लियर? तो हम कह सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक। साथ में अगर हम बोलें कि b1 डॉट b2 अगर हम करें तो दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के, तो ए का मैग्नीट्यूड भी v1, दूसरे का भी v1, या बोल दो इसका भी v2, इसका भी v2, दोनों बराबर ही है, बीच में एंगल 180, तो b1 डॉट b2 आ जाएगा हमारे पास, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड cos 180, तो ये आ गया हमारे पास माइनस b1 b2।
अब दोनों बराबर है तो इसको माइनस बी वन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल दो, चाहे माइनस बी टू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल दो, बात वही है। अगर केवल बी वन बी टू का मैग्नीट्यूड बोलूँ मैं तो बी वन बी टू का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बी वन का स्क्वायर बोल दो चाहे बी टू का स्क्वायर बोल दो। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, बोला कौन सा करेक्ट नहीं है, पहला बोला बी वन बराबर बी टू है मैग्नीट्यूड में, सही बात है पहला करेक्ट है। दूसरा बोला है कि बी वन बराबर माइनस बी टू वेक्टर है, ये भी सही बात है बट कंडीशन गलत है इसकी। इसने बोल रखा है ओनली इफ द टू आर ऑफ इक्वल मास, कि जब केवल दोनों के मास सेम है तभी ये कंडीशन होगी, नहीं यार। अरे एक ही इक्वेशन में ध्यान से देखो तो ये तो ऑलवेज वैलिड है ना, इवन ये तो हर तरह के कॉलिजन के लिए वैलिड है। अब जैसा कॉलिजन उसके लिए इक्वल वैल्यू रखते जाओ, क्लियर है क्या, इलास्टिक है तो इक्वल वैल्यू हमेशा बन होगी, तो बी टू बराबर माइनस वन बी वन होगा ना यार, चाहे कैसा ही मास हो इनका, क्लियर है क्या, मास का एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा इसमें। दूसरा, हाँ सोच रहा होगा तुमने कि मास से फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बस मास से इन रिलेटिव वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, मास से इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, क्लियर है क्या। ये बी वन बी टू कॉलिजन से पहले और बाद की वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी है, समझ में आ गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड बोला है इसने बी वन डॉट बी टू, बिल्कुल सही बात है, देखो ये रहे ऑप्शन, फोर्थ भी करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग ऑप्शन। तो आंसर ने हमको क्वेश्चन हमको रॉन्ग पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, बोला अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर रेडियस इसकी आर है और ये स्मूथ सरफेस पे क्या कर रहा है, रेस्ट पे रखा हुआ है। हमने इसको क्या किया, इट रिसीव्स अ हॉरिजॉन्टल इंपल्स एट अ हाइट एच अबव इट्स सरफेस, कि सरफेस से एच हाइट पे ये, सरफेस से एच हाइट पे इस पे कोई इंपल्स दिया, मान लो कोई इंपल्स फोर्स लगाया एफ जिसकी वजह से इंपल्स आया, तो ये प्योर रोलिंग करने लग गया बिना स्लिप हुए, एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए देखो, तो इस एफ ने इसको क्या कराया है, प्योर रोलिंग कराया है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इंपल्स लगाया गया तो थोड़ी देर में ये आगे वी से और ये ओमेगा से घूमने लग जाएगा, ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर होगी, क्योंकि फिक्स सरफेस पे हो रहा है, इधर वी इधर ओमेगा आर, तो बी बराबर ओमेगा आर होना चाहिए ताकि स्लिपिंग नहीं हो, ठीक है भाई। अब देखो ओमेगा और बी आए किससे हैं, इस इंपल्स की वजह से, तो इंपल्स इक्वेशन लिखते हैं इस पे, क्लियर है क्या। तो मैं अगर मैं देखूं आगे केवल एफ फोर्स है, सरफेस तो स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो आएगा नहीं, केवल एफ फोर्स का इंपल्स आएगा, तो बोल दूंगा एफ डीटी बराबर एम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तो आ गया इंपल्स बराबर एम बी, क्लियर, ठीक है भाई। अब एंगुलर इंपल्स भी लिख लेते हैं, क्योंकि ओमेगा तो एंगुलर इंपल्स लेके आया है, तो एंगुलर इंपल्स चाहे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखो चाहे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिख लो, बात एक ही है, एक ही रिजल्ट आएगा, तो मैं इसके अबाउट लिख लेता हूं। तो देखो इसके अबाउट देखो, तो ये जो फोर्स लगाया वो एच हाइट पे लगाया, तो इसका टॉर्क आगे क्या आएगा, एफ आर आएगा, तो इसका इंपल्स क्या आ जाएगा, सॉरी इसका टॉर्क जो वो क्या आ जाएगा, एफ एच, क्योंकि एच हाइट पे ही है, तो एफ एच, तो टॉर्क आ जाएगा एफ एच और टॉर्क का इंपल्स आ जाएगा एफ एस डी टी, ये हो गया एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स की वैल्यू क्या लिखोगे, आई ओमेगा फाइनल माइनस आई ओमेगा इनिशियल, तो ये वैल्यू आ गई आई ओमेगा की। अब आई हमने इस टॉर इंपल्स जो है एंगुलर वो इस पॉइंट के अबाउट लिखा है, तो एंगुलर मोमेंटम भी इसके अबाउट लेंगे, इसके अबाउट 2 बाई 5 होता है प्लस एम आर स्क्वायर कर दो, तो ये बन गया एफ एच डी टी बराबर 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू बी बाई आर, क्लियर है क्या। तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, यहां से रिलेशन आ गया हमारे पास एच एफ डी टी बराबर ये हो गया 7 बाई 5 एम बी आर। अब हमें तो एच निकालना है, एफ डी टी की वैल्यू यहां पता है, एफ डी टी की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, तो एच इंटू एम बी बराबर 7 बाई 5 एम बी आर, तो यहां से एच की वैल्यू आ गई 7 आर बाई 5, क्लियर है क्या, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जरा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है इसमें, कि ये एक फिक्स सरफेस, इस पे ये कि प्लैंक पी इज प्लेस्ड ऑन अ सिलेंडर एस विच रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस,
The two are of equal mass, there is no slipping at any of the surface in contact, then the ratio of kinetic energy of P and S. कि ये तो देखो एक प्लैंक दे रखा है, क्लियर, और ये एक सिलेंडर दे रखा है, प्लैंक ये सिलेंडर, दोनों के ही मास mm बोले हैं, और बोला है कहीं भी क्या है स्लिपिंग नहीं हो रही है, सिलेंडर जो है वो सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, तो कहीं भी अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी अपॉन रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस हमें फाइंड करना है। तो देखें जरा, तो देखो भाई मैं मान लेता हूं सिलेंडर की आगे वेलोसिटी वी है, तो इस पॉइंट की क्या होगी, टू वी होगी, राइट, बताइए हमें, अगर इस पॉइंट की टू वी वेलोसिटी है तो जस्ट इसके ऊपर इस ये जो प्लैंक का पॉइंट है उसकी वेलोसिटी भी टू वी होनी चाहिए, अदरवाइज इनमें रिलेटिव मोशन होने लग जाएगा, स्लिपिंग होने लग जाएगी, पर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, मतलब प्लैंक जो है वो आगे टू वी से मूव कर रहा होगा और ये जो है हमारे पास सिलेंडर जो है वो वी से मूव कर रहा होगा। अब इसके लिए वी है तो इसका कुछ ना कुछ ओमेगा भी होगा, इस पॉइंट पर पीछे की तरफ वेलोसिटी आएगी ओमेगा आर, इसकी आगे वी है तो ओमेगा केवल रही होगी वी वाई आर, क्लियर। अब देखो अगर हम प्लैंक की वेलोसिटी देखें तो प्लैंक की जो एनर्जी है पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी वो केवल ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से है, तो वो हो जाएगी हाफ एम टू बी का होल स्क्वायर, क्लियर। लेकिन नीचे सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इसके पास ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है, तो ट्रांसलेटरी एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेटरी हो जाएगी इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ एम टू बी का स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू आ गई थ्री बाई टू टाइम्स हाफ एम बी स्क्वायर, क्लियर। तो देखो हाफ एम बी स्क्वायर से हाफ एम बी स्क्वायर गया, ऊपर बच गया फोर, ये हो जाएगा एट, ऊपर जाके तो एट बाई थ्री जो है इनकी एनर्जी का रेशो आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाया है। तो देखो आइंस्टीन इक्वेशन बोलती है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एनर्जी ई बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, और के ई मैक्स को लिख सकते हैं ई इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से देखो तो ई वी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो वी एस की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारे पास एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई, तो वी एस वर्सेज अगर न्यू का ग्राफ हम बनाए तो कैसा आएगा, ये एक लीनियर रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारे पास माइनस फाइव अपॉन ई, क्लियर है क्या, और साथ में स्लोप जो है इसका टेन थीटा वो है हमारे पास एच अपॉन ई। अब इसके इंटरसेप्ट की बात अगर करता ना ये तो देखो फाइव पर डिपेंड कर रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट आता है इंटरसेप्ट, लेकिन इसके स्लोप की बात करूं तो एच अपॉन ई है, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एच प्लैंक कांस्टेंट सभी के लिए कांस्टेंट है, तो स्लोप जो है चाहे वो किसी भी मटेरियल के लिए मैं बात करूं सबके लिए सेम आएगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बोला है थीटा विल बी सेम फॉर ऑल मेटल्स, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ो, थीटा विल बी मोर फॉर मेटल हैविंग वर्क फंक्शन मोर लेस, तो भाई इससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वर्क फंक्शन से इंटरसेप्ट पे फर्क पड़ेगा, स्लोप सेम रहेगा सबका, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है वो हमें मास के साथ दे रखा है, तो बोला है कौन से इन रिएक्शंस में से एनर्जी रिलीज होगी। तो देखिए कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, ग्राफ देखा हुआ है, तो आप डेफिनेटली इसे कर सकते हो, और कई बच्चों ने सही किया भी होगा। देखते हैं जरा आगे बढ़ते हैं। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की ग्राफ की मैं बात कर देता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर सेवन कर रहे हैं हम डिस्कस कि देखो ये मास बोल दो या जेड के साथ बोल दो या मास नंबर के साथ बोल दो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कैसा आता है देखना, ये आता कुछ ऐसा इस तरह का कि भाई आयरन जो है ना हमारे पास उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, और जिस
जिस जेड के लिए, जिस एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारे पास स्मॉलर जो न्यूक्लियस है वो कम स्टेबल है, लार्जर न्यूक्लियस है वो भी कम स्टेबल है, लेकिन मीडियम न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं वो तो कंबाइंड होकर मीडियम बनाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये क्या होता है, हमारे पास बड़े जो नाभिक है वो स्प्लिट हो जाते हैं छोटे छोटे में, जिसको हम विखंडन कह देते हैं। क्लियर है क्या? अब ये जो रिएक्शंस हुई है वो स्टेबलाइज होने के लिए हुई है, तो डेफिनेटली इनमें एनर्जी रिलीज होगी। अब हमें इन्हीं में से चेक करना, तो हमें ग्राफ में ए बी सी डी इस तरह से दे रखे हैं। देखो कि यहां कहीं ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर यहां डी है, यहां ई है, और यहां एफ है। ठीक है, तो देखते हैं कौन से रिएक्शन में हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो पहली रिएक्शन दे रखी है कि ए प्लस बी जो है मिलकर सी बना रहे हैं, तो देखो ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारे पास कम स्टेबल है वो मिलकर ज्यादा स्टेबल बना रहे, तो एनर्जी इसमें रिलीज होगी, पॉजिटिव आएगी इस जगह पे एनर्जी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बोला है सी से ए और बी बने। तो जब ये हमारे पास ऑटोमेटिक हो रहा है तो इसका अपोजिट तो डेफिनेटली नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ना यार, कि सी ए और बी में, अरे भाई स्टेबल अनस्टेबल में क्यों टूटना चाहेगा, तो सेकेंड हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। सी देखते हैं कि डी और ई मिलके एफ बना रहे हैं, तो देखो डी और ई मिलके एफ नहीं बनाएंगे, क्यों, ज्यादा स्टेबल मिलके कम स्टेबल थोड़ी बनाएंगे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ उल्टा बोलता कि एफ डी और ई में स्प्लिट होता तो एनर्जी रिलीज होती, बिल्कुल सही बात होती, क्योंकि कम स्टेबल ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती। तो आंसर आ जाएगा ए एंड डी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमेशा सिस्टम इस तरह से स्प्लिट होगा या कंबाइंड होगा कि वो अपने आप को स्टेबलाइज कराने की कोशिश करेगा, अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब वो स्मॉलर और लार्जर से मीडियम न्यूक्लियस की तरफ आना चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बोला अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड टी If it is arranged in a car moving with constant velocity along a straight line, time period will be। देखो क्वेश्चन जो है कई बच्चों का हो सकता है भाई सिली मिस्टेक हुई है, क्लियर है क्या? जल्दीबाजी में कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस तरह का, जल्दीबाजी में हम कर जाते हैं तो हो सकता है कई बच्चों का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान से देखना क्या गड़बड़ इसमें हो सकती है। कि देखो ये हमारे पास कोई कार है, इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√L/g। अब अगर हमारे पास कार आगे की तरफ ए एक्सीलरेशन से चलने लग जाए तो यहां पर हमें जी की बजाय जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा, तो इसको ए एक्सीलरेशन मिल जाएगा, एम ए लग जाएगा पीछे, इस पे एम जी लग जाएगा नीचे, तो ये फाइनली इस तरह से इक्विलिब्रियम में आएगा यू। क्लियर? और रिजल्टेंट फोर्स इधर हो गया कितना, एम जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेसिकली यहां पर ये जी इफेक्टिव हो गया, तो टाइम पीरियड लिखा जाता है 2π√L/g² + a² इस केस में। ध्यान से देखो नेट एक्सीलरेशन नीचे की तरफ बढ़ गया है तो टाइम पीरियड घट जाता, बट ये है ही नहीं, ये क्वेश्चन ये है ही नहीं। उसने बोला है कि कार जो है ना वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नहीं जा रही, आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो क्या फर्क पड़ेगा भाई इसके जी पर, सूडो फोर्स तो मिलेगा नहीं, केवल जी रहेगा, टाइम पीरियड वही आएगा 2π√L/g, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा। तो सर कार की वेलोसिटी से यहां पर फर्क क्या पड़ेगा, तो देखो किस चीज पे फर्क पड़ेगा मैं बताता हूं। कि यहां अगर तुम देखो तो पहले मान लो इसकी वेलोसिटी इधर क्या थी, v थी। अब जब कार भी मूव करने लग गई तो इसकी वेलोसिटी भी इसको मिल जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी v प्लस v कार हो जाएगी, मतलब इस बॉब के मोशन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी यहां पर। क्लियर है क्या? टाइम पीरियड पे चेंज नहीं आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो यहां से पहले ये कम एंगल तक जा रहा था, अब ये ज्यादा एंगल तक ऊपर जाएगा, ये एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बोला बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूड एक्सप्रेस द, किस पे बेस्ड है हमारे पास? तो हमें पता है बर्नौली थ्योरम जो है हमारे पास क्या बोलती है कि किस एक नॉन विस्कस स्टेडी स्टेट में अगर फ्लो हो रहा है और हमारे पास कोई भी तरह का कोई भी कंप्रेसिबल फ्लूड नहीं है, आइडियल फ्लूड है, तो उसमें किसी भी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पर। तो साफ साफ हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है,
तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। यहां देखो पोटेंशियल का फंक्शन तुम्हें दे रखा है, बोला है यू बराबर है यू नॉट वन माइनस कॉस एल्फा एक्स। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं माइनस डी यू वाई डी एक्स करके, तो ये आ जाएगा माइनस इसका यू इसका वन का यूनिट पड़ा हुआ है, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस कॉस कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एल्फा एक्स, बाहर एल्फा आ जाएगा। तो बेसिकली फोर्स आ गया हमारे पास माइनस यू नॉट एल्फा साइन एल्फा एक्स। अब बोले बोला है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, मतलब एक्स की वैल्यू स्मॉल है, क्लियर है क्या? तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम साइन एल्फा को एल्फा लिख सकते हैं, तो फोर्स बन जाएगा साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो फोर्स बन जाएगा यू नॉट एल्फा एल्फा एक्स। तो फोर्स की वैल्यू आ गई माइनस यू नॉट एल्फा स्क्वायर एक्स, ये हो गया फोर्स कॉन्स्टेंट। तो टाइम पीरियड हमें पता है होता है टू पाई अंडर रूट मास अपॉन फोर्स कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड जो कि हमें दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 में बोला है अ लिक्विड विद कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा इज कंटेंट इन अ विसल हैविंग लीनियर कोफिशिएंट ऑफ गामा बाय 3 व्हेन हीटेड, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ द लिक्विड। लेवल पूछा है इसने। यहां बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है कितना लिक्विड बाहर फैलेगा बाहर नहीं फैलेगा अपेरेंट एक्सपेंशन वाले, और ये है हमारे पास हाइट पूछने वाला। तो देखें जरा कि भाई ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें मान लो वॉल्यूम जो भरा है लिक्विड का वो है वी नॉट, क्लियर है क्या? ये हमारे पास कंटेनर का सरफेस बॉटम का जिसका एरिया है ए नॉट, ठीक है। लिक्विड के लिए गामा एल, कंटेनर के लिए एल्फा एल्फा वी विसल। अब देखो इस टाइम पे अगर मैं हाइट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये कॉलम की हाइट हो जाएगी हमारे पास वॉल्यूम अपॉन एरिया, क्लियर है क्या? ये तो इनिशियल हाइट थी। अब जैसे ही तुम इसको हीट दोगे तो एक्सपेंशन होगा तो हाइट चेंज हो जाएगी, वी नॉट वॉल्यूम जो है वो कुछ वी नॉट डैश हो जाएगा और एरिया भी चेंज होगा। अब वी नॉट तो लिक्विड का एक्सपेंशन है तो इसलिए वी नॉट डैश लिखेंगे तो लिखेंगे वी नॉट वन प्लस गामा एल डेल्टा टी, नीचे एरिया, एरिया में एक्सपेंशन वेसल के अल्फा के हिसाब से आएगा तो ये लिखा जाएगा ए नॉट वन प्लस टू अल्फा वी डेल्टा टी। तो यहां देखोगे तो फाइनल हाइट आ जाएगी, ये बन गई इनिशियल हाइट ब्रैकेट वन प्लस गामा एल डेल्टा टी, इसको ऊपर लेकर जाओ तो वन प्लस टू अल्फा वी डेल्टा टी की पावर माइनस वन, तो ये लिखा जा सकता है एच फाइनल बराबर एच इनिशियल वन प्लस गामा एल डेल्टा टी ब्रैकेट, बाइनोमियल एक्सपेंशन काम में ले लो यार क्योंकि अल्फा की वैल्यू गामा की वैल्यू बहुत कम होती है वन के कंपेरिजन में, तो 1 माइनस टू एल्फा बी डेल्टा टी मल्टीप्लाई करोगे तो रिलेशन आ जाएगा एच आई 1 प्लस गामा एल माइनस टू एल्फा बी डेल्टा टी, जिसमें मैंने गामा और एल्फा की हायर पावर्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्लियर है क्या? अब देखो अगर गामा एल की वैल्यू 2 एल्फा बी से ज्यादा हुई तो हाइट बढ़ेगी, अगर ये बराबर हुई तो हाइट सेम रहेगी, और अगर गामा एल की वैल्यू 2 एल्फा बी से कम हो गई ना तो हाइट डिक्रीज हो जाएगी। हमें जो रिलेशन दे रखा है उसमें क्या बोल रखा है कि गामा एल तो है हमारे पास गामा, बट एल्फा वी जो है ना वो है गामा बाई थ्री, तो यहां से देखो टू एल्फा वी की वैल्यू क्या हो गई, टू गामा बाई थ्री। अब तुम देखो तो गामा एल टू एल्फा वी से ज्यादा है मतलब हाइट बढ़ेगी, क्लियर है क्या? तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। अब यहाँ गड़बड़ हो सकती है कि भाई रिलेशन जो हमने देखा हुआ है ना वो बाहर निकलने वाला अपेरेंट एक्सपेंशन वाला, उसमें गामा एल बराबर थ्री एल्फा वी से रिलेशन आता है तो उसको ये फॉलो कर रहा है, तो मन करता है सर ये अपेरेंट एक्सपेंशन तो आया नहीं, हाँ अपेरेंट एक्सपेंशन नहीं आया, दिखेगा नहीं एक्सपेंशन, क्लियर है क्या? जितना हमारे पास यहाँ पात्र फैलने वाला है उतना ही लिक्विड फैल जाएगा, तो भाई भरा तो उसमें उतना ही दिखेगा वो, क्लियर है क्या? लेकिन जब हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो तो टू एल्फा से चेंज हो रही है ना कि थ्री एल्फा से, तो हाइट इंक्रीज होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड आउट पर सेकेंड थ्रू अ विंडो, पढ़ लें जरा क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से। देखें जरा क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में कि द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड आउट पर सेकंड थ्रू अ विंडो, कि ये एक विंडो है, मैं मान लेता हूं इसकी जो चौड़ाई है ये एल, एरिया है ए, ये अंदर वाली साइड, ये विंडो के बाहर वाली साइड, बोला इससे अंदर से बाहर हीट जा रही है
अंदर का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, बाहर का है -10 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो इससे बाहर जो है पर सेकंड जो हीट आ रही है वो है 100 जूल, मतलब पावर दे दी। तो हम लिखेंगे P बराबर कितनी हो जाएगी, K A डेल्टा T, यहां से यहां तक का हो गया 20 बाई L, बराबर हम लिख सकते हैं 1000। अब क्या बोला है, अब आगे बोला है सेम हीट विल फ्लो कंडक्टेड इन थ्रू द विंडो व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज -20। आउटसाइड तो कितना हो गया -23 सेल्सियस, इनसाइड टेम्परेचर इसमें पूछा है, और सेम हीट विल बी कंडक्टेड इन थ्रू, अब हीट अंदर की तरफ आ रही है सेम P, तो अब P लिखा जाएगा कि भाई सेम है तो इसलिए 1000, तो लिखा जाएगा के ए डेल्टा टी, अब ये ज्यादा रहा होगा तो लिखेंगे -23, या फिर इसको डेल्टा टी लिख लेता हूं मैं, डेल्टा टी बाई एल। तो यहां से देखो कंपेरिजन करते हैं तो के बाई एल, इनको अगर ध्यान से देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो 1000 की जगह लिख सकते हो आप के ए 20 बाई एल, के बाई एल से के बाई एल गया, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 23 है तो ये 20 डिग्री कम होगा ना कि ज्यादा, क्योंकि इधर से इधर आना है, तो 23 से 20 डिग्री कम, तो यहां आ जाएगा हमारे पास माइनस का 43 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में बदल देते हैं जरा, एक मिनट, कम होगा ना, -43 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में बदलते हैं तो यह आएगा -43 प्लस 273, तो ये हो जाएगा हमारे पास 230 केल्विन, अंदर का तापमान जब 230 केल्विन होगा। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोला है कि एक सैंपल है जिसका प्रेशर है पी, वॉल्यूम में भी, टेम्परेचर है टी, ठीक है, इसको क्या किया है, इट्स कंप्रेस टू बी वाई टू वॉल्यूम आइसोथर्मली, हमने इसको बी वाई टू वॉल्यूम तक लेके आए आइसोथर्मली, तो हमें पता है वॉल्यूम आधा किया है तो प्रेशर हो जाएगा यहां पर डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P, क्लियर, ठीक है। तो बोला है कि इट्स प्रेशर टू बी फाउंड PI, मतलब PI की वैल्यू पहले के कंपेरिजन में 2P हो जाएगी। अब बोला है कि इसको हमने क्या किया, इफ इट इज कंप्रेस टू बी बाई टू एडियाबेटिकली, इसको अगर आइसोथर्मली की बजाय एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जाए बी बाई टू तक, तो वॉल्यूम प्रेशर हो गया है PA, ठीक है भाई, तो PA की वैल्यू क्या आएगी, P इनिशियल B की पावर गामा बराबर P फाइनल B की पावर गामा, क्लियर। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई P 2 की पावर गामा, और डायटोमिक के लिए होता है 7/5, मतलब P 2 की पावर 1.4, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2.6। अब इन्हें इसने रिलेशन जब पूछा है PI और PA में पूछा है, तो क्या करें, डिवाइड कर देते हैं इनको, तो हम बोल सकते हैं PI अपॉन PA बराबर है हमारे पास 2/2.6, तो रिलेशन आ गया 2.6 PI बराबर 2 PA, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखें जरा, हाँ भाई, 14 में क्या बोला है हमसे कि ये हमें एक PV ग्राफ दे रखा है, ठीक है, कि ये सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस एज शोन इन फिगर AB, कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब T तो हो गया है इसमें कॉन्स्टेंट, तो DQ DU और DW पे कमेंट करवाया, तो देखो कॉन्स्टेंट है तो DU की वैल्यू तो हो गई 0, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। W की बात अगर हम करें तो देखो एक्सपेंशन हो रहा है, PV ग्राफ से देख सकते हैं प्रसार हो रहा है, तो कार्य आएगा पॉजिटिव। अब DQ बराबर होता है DU प्लस DW, तो यहाँ DU तो 0 है, तो जो DQ का चिन्ह होगा भाई DW का चिन्ह होगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्या बोला है कि ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और ये जो थीटा है वो यहाँ से वेरिएशन दिखाया गया है, तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा पे जाके आप क्या करो डी थीटा का एलिमेंट ले लो, तो ये लेंथ हो गई RD थीटा।
अब इस पे आने वाला छोटा सा चार्ज डी क्यू क्या लिखोगे, ये आ जाएगा लैम्बडा इंटू इसकी लंबाई आर डी थीटा, तो लैम्बडा है लैम्बडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा, तो ये आ गया आर लैम्बडा नॉट कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट जीरो से पाई तक इंटीग्रेशन करते हैं, आर लैम्बडा नॉट कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा जीरो से पाई, एक बार पाई रखो चाहे जीरो रखो वैल्यू जीरो आएगी, तो रिंग पर टोटल चार्ज जीरो है, फोर्थ आंसर। 16 की बात करते हैं, तो 16 में देखो हमें एक एसी सर्किट दे रखा है कि ये रेजिस्टेंस है 30 ओम का, ये हमारे पास एक इंडक्टर है जिसके लिए इंपीडेंस दे रखा है हमें 25 ओम, एक कैपेसिटर जिसके लिए इंपीडेंस दे रखा है हमें 25 ओम, ये एमीटर लगा हुआ है, साथ में इसमें एक सोर्स लगा हुआ है जिसकी सप्लाई है 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पे, और इसके अक्रॉस लगा रखा हमने वोल्ट मीटर। तो तुम ध्यान से देख सकते हो एक्सएल बराबर एक्सी है, मतलब सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है, क्लियर है क्या? तो रेजोनेंस में अगर देखे तो एक्सएल बराबर एक्सी, तो जेड की वैल्यू पूरी की पूरी 30 ओम के बराबर हो जाएगी केवल आर के बराबर, क्लियर। तो सर्किट में अगर टोटल करंट देखे तो वो आ जाएगा 240 बी वाई आर, तो 8 एम्पियर, तो एम्पियर की रीडिंग तो आएगी 8, अमीटर की रीडिंग तो आएगी 8 एम्पियर। अब वोल्ट मीटर की बात करूँ तो देखो इनकी एक्सएल बराबर है, करंट सीरीज में सेम ही होता है इनमें, तो मैं कह सकता हूँ जितना वी एल होगा उतना वी सी होगा, तो जितना वी एल उतना वी सी, दोनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा, एक्रॉस जीरो आएगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी जीरो। तो हम बोल सकते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो और करंट 8 एम्पियर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, देखो पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, देखें जरा। देखें जरा क्या बोला है हमसे कि देखो प्राइमरी सर्किट जो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर का, उसमें एक ईएमएफ और आर इंटरनल रेजिस्टेंस का एक सेल है, और इसको एक पोटेंशियल वायर जो है वो हमारे पास एल लेंथ का है जिसका रेजिस्टेंस है 9R। तो पहले तो मैं इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लेता हूं। तो देखो आर और 9R, करंट कितना हो जाएगा पूरे सर्किट में E बाई 10R, तो 9R पे ड्रॉप आएगा इंटू 9R, तो ये तो आ गया वी 9E बाई 10, ये आ गया वी ए बी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो इतना पोटेंशियल पूरी L लेंथ पे ड्रॉप हुआ है, तो पर यूनिट लेंथ आ जाएगा 9E बाई 10L, तो यूनिट लेंथ पे इतना ड्रॉप होगा। अब हमने क्या किया इसके साथ, यहां पर हमने एक E by 2 का और 2R रेजिस्टेंस का क्या किया, एक सेल कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, और मान लो यहाँ कहीं स्मॉल लेंथ पे बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस कैसे होगा कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस पे आ जाए, यहाँ हाई और यहाँ लो, यहाँ हाई यहाँ लो, E by 2 ही पोटेंशियल ड्रॉप अगर L लेंथ पे आ जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं L लेंथ पे पोटेंशियल निकाल लो, तो देखो यूनिट लेंथ पे इतना, तो L लेंथ पे इतना हो जाएगा, ये E by 2 के बराबर हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहां से L की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये सब कुछ कट गया 10/18, क्लियर, 10/18 L, और सॉल्व कर लो 5/9L, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, सर्किट दे रखा है डायोड्स के साथ, दिमाग में रखें कि आइडियल डायोड जो है ना हमारे पास, ये फॉरवर्ड वायस में किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है हमारे पास शॉर्ट सर्किट की तरह, लेकिन रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब डायोड के बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आइडियल मान के ही सारी कहानी करोगे, अगर मान लो इसका कोई रेजिस्टेंस या कुछ और इसका कंक्लूड करना होता तो वो क्वेश्चन में हिंट इस तरह की गिवन कर दी जाती, बाकी ऑप्शन से भी पता लग रहा है वैसे। तो देखो सर्किट हमें जो दे रखा है 18 का वो ये दे रखा है, 20 ओम ये डायोड है, एक डायोड ये 30 ओम, ये 5 वोल्ट की बैटरी, साथ में 20 ओम, तो आपसे पूछा है बैटरी से जाने वाला करंट। तो देखो जरा भाई यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ का भी जीरो, यहाँ का, अब इधर के पोटेंशियल की बात करूँ तो जीरो से तो ज़्यादा ही आएगा, क्लियर है क्या, जीरो से तो ज़्यादा ही आएगा मान लो एक्स। तो यहाँ से अगर देखो तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल फॉरवर्ड वायस,
ये रिवर्स बायस में हो गया तो इस तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसका तो हटा दो सर्किट से। तो पूरे सर्किट में केवल ये बच गया बस, तो करंट कितना आ जाएगा इसमें, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, इतना एम्पियर करंट आ जाएगा। अगर ये नॉन आइडियल होता तो डायोड का भी रेजिस्टेंस गिवन कर देता वो। सेकंड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। बोला देखो फंडामेंटल एंटीना जो होता है ना हमारे पास किसी भी रेडियो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन में, जो हम एंटीना जो काम में लेते हैं वो हम वेवलेंथ का 1/4 लेते हैं, जिससे क्या हमारे पास मैक्सिमम परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ उसका ट्रांसमिशन हो पाए। क्लियर है क्या? ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एरर पे बेस्ड क्वेश्चन है, समय नजर ध्यान से, मेजरमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कि भाई डेंसिटी में परसेंटेज एरर की गई वो भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कैसे? कि डेंसिटी जो है हमारे पास रो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और सॉलिड वॉल के लिए बात की गई तो वॉल्यूम लिखा जाएगा 4/3 πr³। डेंसिटी में एरर कैलकुलेट करनी है तो हम लिखेंगे डेंसिटी में परसेंटेज एरर हो जाएगी, वो हो जाएगी मास में परसेंटेज एरर प्लस 3 × r में परसेंटेज एरर। क्लियर? तो मास में परसेंटेज एरर 3 × Δ/r × 100, ये हो जाएगी r में परसेंटेज एरर। अब मास में तो परसेंटेज एरर उसने क्वेश्चन में गिवन की है, आर की नहीं पता, तो आर के लिए इसने क्या किया है, बेसिकली रेडियस को मेजर, डायमीटर को मेजर करने के लिए इसने क्या किया है, स्क्रू गेज काम में लिया, और स्क्रू गेज भी ऐसा काम में लिया जिसकी पिच जो है हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 0.5 mm। बेसिकली मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हम इसने हमें दे दी 0.5 mm। तो इसका लीस्ट काउंट होता है वो होता है मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये आ जाएगा 0.5 mm, डिवीजन दे रखे हैं सर्कुलर पर 50, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 mm, ये आ गया लीस्ट काउंट। क्लियर? तो देखते जरा हमारे पास डायमीटर का मेजरमेंट क्या लिया है इसने, तो डायमीटर का मेजरमेंट क्या लिया है, उसने बोला है कि मेन स्केल पर की रीडिंग जो है ना वो तो 2.5 है, तो मेन स्केल की तो आ गई 2.5 mm। अब सर्कुलर स्केल की बात करते हैं तो उस पर 20 डिवीजन बोला है, सर्कुलर स्केल का पर डिवीजन इतना है तो 20 डिवीजन की लेंथ इंटू 20 mm हो जाएगी, तो यहाँ से डायमीटर आ गया हमारे पास 2.5 mm प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0.020 mm, तो 0.2 mm, तो डायमीटर की वैल्यू आ गई 2.7 mm। तो अगर डायमीटर को अगर लिखा जाए ना तो क्या लिखा जाएगा, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट जितनी वो एरर दे सकता है, तो ये आ जाएगी हमारे पास डायमीटर की वैल्यू। क्लियर है क्या? अब देखो रेडियस में एरर निकली है हमें तो उसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डायमीटर में एरर अपॉन डायमीटर इंटू 100। क्लियर? कैसे? कि आर की जगह लिख सकते हैं अपन बेसिकली d/2। क्लियर? अब आर डी बराबर होता है हमारे पास 2r, तो r की वैल्यू d/2, r की जगह d/2 लिख दिया तो डेल्टा r की जगह Δ/2 लिख सकते हो, तो 2 से तो 2 गया तो ये बन गया परसेंटेज m प्लस 3 Δ/d/100। बेसिकली जो परसेंटेज एरर डायमीटर में भाई हमारे पास रेडियस में होगी। अब वैल्यू पुट करते हैं तो मास में परसेंटेज एरर इसने ऑलरेडी दे रखी है 2% की, प्लस 3 × डायमीटर की एरर है 0.01 अपॉन डायमीटर की वैल्यू 2.7 × 100, सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 3.1%। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेक्शन डी की तरफ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1 ग्रेविटेशन से है, बोला एट व्हाट हाइट इन किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस डज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स बाय 1%। अब देखो ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन है वो सरफेस से केवल 1% घटा है, मतलब एप्रोक्स वाला फॉर्मूला मैं काम में ले सकता हूं जो कि h हाइट पर होता है हमारे पास gh = g(1 − 2h/r). क्लियर? तो परसेंटेज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा gh g − g(2h/r), तो gh − gy की वैल्यू आ जाएगी −2h/r। तो हाइट के साथ देखो ये वैल्यू घटती है तो परसेंटेज g कितनी आ गया −2h/r × 100। अब इसने बोला है कि ये 1% है तो हाइट बताना है, तो 2 हाइट बताना है, r की वैल्यू इसने दे रखी है
6400 किलोमीटर मतलब इंटू 10^3 किलोमीटर में रहने देते हैं इसको, आंसर भी किलोमीटर में पूछा है इसने, इंटू 100 इससे ये गया, एच की वैल्यू आ गई यहाँ से 32%, ये घटा हुआ है तो माइनस से माइनस वैसे बैलेंस हो जाएगा, 32 किलोमीटर हाइट पे हमें ये कहानी मिलेगी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू देखें, किसी एटम के लिए ये अरेंजमेंट दे रखे हैं कि ये ग्राउंड स्टेट, ये एनर्जी ई, ये 4EY3, ये है 2E। बोला है कि जब 2E से ई में ट्रांजिशन हुआ है ना तो वहाँ लैम्बडा वेवलेंथ का फोटोन गिरा है, तो बताओ इससे कितनी फ्रिक्वेंसी, कितनी लैम्बडा डैश का फोटोन गिरेगा, कितनी, कि भाई ये ट्रांजिशन हुआ तो लैम्बडा का फोटोन निकला, तो इसमें बताओ कितनी लैम्बडा का निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से यहां तक की एनर्जी का चेंज कितना हुआ, तो 2E से ई एनर्जी हो गई, मतलब ई घट गई, तो ई एनर्जी का फोटोन निकला, जिसको हम बोल सकते हैं hc/λ, ठीक है भाई। यहां से यहां तक में 4E/3 बाद में ई रह गई, तो e/3 का निकला, तो e/3 बराबर hc/λ डैश। तो साफ साफ देख सकते हो, ई की वैल्यू रख दो यहां, तो hc/3λ बराबर hc/λ डैश, तो लैम्बडा डैश जो तुम्हारा है वो 3λ रहा होगा, और तुमसे यही पूछा है कि साथ में इंटीजर क्या है, तो ये एन जो है 3 वैल्यू रही होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। देखें जरा क्या बोला है इसने इसमें कि एक थिन फिल्म है, फिल्म है ये, क्लियर, फॉर्म बिटवीन अ यू शेप्ड वायर एट अ एंड अ लाइटर स्लाइडर सपोर्ट अ वेट ऑफ 1.5×10^-2 न्यूटन। क्या किया है बेसिकली इसमें कि देखो ये हमारे पास एक वायर है, इस पे यू शेप की हमने एक फिल्म बनाई है, ये स्लाइडर है, इसका वेट हमें दे रखा है नीचे की तरफ w 1.5×10^-2 न्यूटन। बोला सरफेस टेंशन जो है ना इसका, वो हमें बेसिकली फाइंड करना है, और ये लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब 0.3 मीटर। अब देखो मैं मान लेता हूँ सरफेस टेंशन T है, तो इस W को बैलेंस कैसे किया जा रहा होगा, कि ये बेसिकली फिल्म है, फिल्म मतलब एक तरह से ये पेपर समझ लो, तो इस पेपर की अगर तुम ध्यान से देखो तो एक फ्री सरफेस तो वो होगा जो तुम्हें दिखाई दे रही है, और एक फ्री सरफेस मेरी तरफ वाली हो गई, दो फ्री सरफेस के पास। तो इस बाउंड्री पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ एक तो आगे वाले सरफेस की वजह से सरफेस टेंशन का फोर्स आ रहा होगा T×L, एक जस्ट पीछे वाले की वजह से आ रहा होगा, तो टोटल आ रहा होगा 2TL जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं 2TL बराबर W, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू रही होगी W/2L, तो ये आ गया 1.5×10^-2 12 हो जाएगा हमारे पास 0.6, तो ये हो गया 15/6×10^-2, ठीक है। अब सरफेस टेंशन ही पूछा है इसने, तो देखें जरा कितना हो गया, 3 से काट दो इसको, तो ये गया 2 बार, ये 5 बार×10^-2, तो ये बन गया 2.5×10^-2 न्यूटन पर मीटर। अब इसने जो ऑप्शन दिया वो 25 की तरह दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 25×10^-3 न्यूटन पर मीटर, ये पावर इसने पूछी है, तो वैल्यू हो जाएगी 3। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पेपर का बढ़िया सवाल, ध्यान से देखें क्या है। बोला है कि ये हमारे पास एक सरफेस है, इस पर एक बड़ी रिंग और ये एक छोटी रिंग, ठीक है। टू कंडक्टिंग रिंग P&Q रेडियस दे रखी है 3R और 2R, ये आगे जा रही है V से, ये इधर जा रही है 2B से, और बोला एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग्स, कि इस हाँ भाई, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, जो कि इनके प्लेन के परपेंडिकुलर लाया कर रहा है, क्लियर है क्या, ठीक है भाई। तो मैं मान लेता हूं कि वो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ मान लेता हूं, बी है मान लो वो, जो कि इसने दे भी रखा है, हाँ बी है, ठीक है। तो बोला है इसने कि दोनों के दोनों जो रिंग है इनके हाइएस्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट है मान लो हमारे पास एक्स, ये है मान लो वाई, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो ध्यान से देखना, अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर टेढ़ा मेढ़ा ये वायर अगर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो एल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इस पे बी वी एल, अगर ये वी एल और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यही पॉइंट मैं काम में ले रहा हूं यहां, तो देखना। तो भाई
इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, क्लियर। इस पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई 3r, क्लियर। तो यहां अगर देखें तो b क्रॉस b, तो ऊपर ये हाई पोटेंशियल होगा, तो ये जो बैटरी है बेसिकली ऐसी बनेगी, कितनी v b l, l की वैल्यू कितनी है 3r, 3r 6r। इसके लिए बात करूं तो ये बैटरी कैसी बनेगी, तो ये बनेगा b क्रॉस b, नीचे की तरफ हाई पोटेंशियल होगा ऊपर लो पोटेंशियल, तो ये बनेगा b v l, तो बन गया 4VVR की बैटरी। एक्चुअल में तो ये होगा कि इधर वाला जो सेमी पोर्शन है ना, ये इधर बैटरी बनाएगा 6VVR, और ये भी बनाएगा इधर सेम सेंस की 6VVR। लूप में से नेट फ्लक्स चेंज जीरो है, इसलिए टोटल ईएमएफ भी जीरो होगा, बट टोटल ईएमएफ जीरो है, इधर इधर दोनों की तरफ आएंगे, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, सेम यहां हो रहा होगा, लेफ्ट राइट दोनों में 4VVR की बैटरी बन गई होंगी जो एक दूसरे को अपोज कर रही होंगी, करंट फ्लो नहीं होगा इनमें। अगर बोलता कि यहां इंड्यूस्ड करंट बताओ तो जीरो, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, नेट ईएमएफ जीरो आएगा, बट उसने केवल पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा है, तो वो तो आएगा भाई यहां का जीरो, यहां का 6VVR, ठीक है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं इस जगह का पोटेंशियल अगर मैं देखूं कि भाई ये जीरो मान लूं, तो ये हो गया 6VVR, ये जीरो है तो ये माइनस का 4VVR, क्योंकि एक ही रेफरेंस ले लिया मैंने ग्राउंड, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हो गया 10VVR का, क्लियर है क्या। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10 VVR। लास्ट क्वेश्चन देखें पेपर का, क्वेश्चन नंबर 5। कि भाई हमें एक सर्किट दे रखा है 24 वोल्ट 2 ओम 4/3 माइक्रोफेरड 4 माइक्रोफेरड, ये रेजिस्टेंस 4 ओम, ये 6 ओम, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई, और पूछा है वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू वोल्ट में। समझना जरा क्वेश्चन, वो भी स्टेडी स्टेट में पूछा है। अब स्टेडी स्टेट में पूछा है मतलब फाइनली कैपेसिटर अपने फुल कैपेसिटी पे होंगे, चार्ज हो चुके होंगे, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो देखो जरा, तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये भी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो पूरे सर्किट में केवल रेजिस्टेंस बच गया, कितना हो गया 6, 4, 10, 12, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें पूरे सर्किट में। तो इन पॉइंट्स के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 6 और 4, 10, तो आई इंटू आर से 20 वोल्ट का आ गया, मतलब यहां 20 वोल्ट है और यहां 0 वोल्ट है, क्लियर। तो मैं इसका भी ड्रॉप निकाल लेता हूं, तो इस पे कितना आ जाएगा ड्रॉप, ये प्लस ये माइनस आई इंटू आर 8 वोल्ट का आ जाएगा, तो ये 0 है तो ये 8 वोल्ट हो गया। अब यहां का निकालते हैं, तो देखो इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 वोल्ट का, पूरे के पूरे दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, और हमें पता है सीरीज में तो क्यू बराबर सीबी से, क्यू तो सेम है तो वी प्रोपोर्शनल 1/C, तो हम बोल सकते हैं B1/B2 आएगा हमारे पास C2/C1 के रेशो में, तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लूं मैं B1, तो B1 की वैल्यू आ जाएगी C2/C1+C2 टोटल वोल्टेज, तो ये वैल्यू है 4/4+4/3 × 24, तो ये आ गया हमारे पास 1/4/3 × 24, तो ये आ गया 4 से जाएगा 6 × 18 वोल्ट, तो मतलब इस पे 18 वोल्ट का डिफरेंस है। अब ये 0 है तो ये क्या रहा होगा 18 वोल्ट। अब इसने क्या बोला है हमसे, क्लियर, थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं कर दी अपने, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास I इंटू आर 2 8 वोल्ट, ठीक है 0 और ये 8 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ अगर अपन देखें तो इसमें आएगा B1 की वैल्यू C2 के प्रोपोर्शनल है, तो 4/C1+C2 4/3+4 इंटू टोटल वोल्टेज जो है इसका दे दिया अपन, अच्छा ये 24 थोड़ी है, तो 20 वोल्ट है ना, 20 ये भी 20, तो ये हो गया हमारे पास 15 वोल्ट आएगा भैया, 15 वोल्ट, क्लियर। अब x का पोटेंशियल पता है, y का पोटेंशियल पता है, तो डिफरेंस हो जाएगा 15 - 8 7 वोल्ट, क्लियर है क्या। तो ये हमारा पेपर डिस्कशन कंप्लीट हुआ, उम्मीद है सबका पेपर अच्छे से गया होगा।
तो इसी तरह से आगे लगे रहे सभी लोग फ्यूचर के लिए, अपने जोश में जुनून के साथ लगे रहे तैयारी करने। सभी को गुड लक, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, CLC के ऑनलाइन DTS प्रोग्राम फॉर JEE मेन में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये अपना मेजर 8x8 है, लास्ट मेजर है। मैं डॉक्टर रवि जांगड़ आप लोगों को केमिस्ट्री का सॉल्यूशन कराऊंगा, मैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशन कराऊंगा, हमारे साथ में TC गुप्ता सर हैं वो आप लोगों को फिजिकल का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच कुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है हमें और पूछा है कि उसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। देखो भैया ध्यान से देखना, यहाँ पे ग्रुप लगा रखा है CF3, बेंजीन के ऊपर क्या ग्रुप लगा रखा है CF3, और हमें क्लोरीनेशन करवाना है इसका Cl2FeCl3 क्लोरीनेशन करवाना है, प्रोडक्ट पूछा है। अब देखो CF3 जो होता है उसका क्या लगता है, उसका नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है, माइनस H इफेक्ट लगता है, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नेगेटिव लग रहा है तो मतलब CF3 कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। कैसा होगा ये, मेटा डायरेक्टिंग, और इसलिए हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग क्लोरीनेशन करवाएंगे CF3 की मेटा पोजिशन के ऊपर, ये प्रोडक्ट हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में कि हमें जो ग्रुप दे रखा है वो कैसा डायरेक्टिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है आपको, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है उसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ओके। क्या दे रखा है आप लोगों को, CH2 दे रखा है, क्लोरीन लगा हुआ है, ये 14 है, C14 है, देन CH2, हमारे पास में ऑक्सीजन है जो 18 है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं CH3O-Na+ के साथ में, CH3O-Na+ के साथ में मेजर प्रोडक्ट हम लोगों से यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देखो भैया क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इसकी रिंग ओपनिंग होगी सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे एक इंटरमीडिएट जो मतलब बनेगा अपने पास में वो बना देता हूँ, CH3Cl, ये 14 वाला है, यहाँ पे मेरे पास में CH2 है, ये O- है 18 वाला, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये CH2 है, इस CH2 से जुड़ा हुआ OCH3 है। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करके इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, बाहर निकालेगा, फिर से हमारे पास में एक इपॉक्साइड बन जाएगी, लेकिन ये कौन से कार्बन पे बना है बस यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये ऑक्सीजन 18 हो गया, CH2 के ऊपर OCH3 अटैच है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ये हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो कौन सा वाला प्रोडक्ट दे रखा है ये हमको, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1st ही हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन होगा। चले हम लोग आगे, मैकेनिज्म समझ लिया, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे SN2 अटैक हुआ, इसकी रिंग ओपनिंग करवाई, O नेगेटिव बना, इसने फिर SN2 अटैक किया, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वापस से इधर इपॉक्साइड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा जो मैच है वो गलत है, सम्मिलित नहीं है, ग्यूटा पर्चा, पॉलीट्रांस आइसोप्रीन, बिल्कुल ग्यूटा पर्चा हम लोग पढ़ते हैं पॉलीमर में पढ़ते हैं। ठीक है, रबर का जो रबर बनता है उसका मोनोमर होता है, तो क्या होता है ये, सॉरी पॉलीमर होता है, पॉलीट्रांस आइसोप्रीन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या होता है, ये तो विटामिन सी होता है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, एन एमिनो एसिड, ये गलत है भैया, एमिनो एसिड नहीं होता, ये विटामिन सी होता है, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक बात है, लैक्टोज एक डाइसैक्राइड होता है, ये भी ठीक बात है, तो मतलब गलत कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड वाला हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट IUPAC नेम, गलत IUPAC नेम पूछा है कि कौन सा वाला IUPAC नेम गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग,
फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, ये सी एल है एंड बी आर है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? नंबरिंग हम लोग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जब दोनों सेम सिमेट्रिक पोजीशन पे हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो आईयूपीएसी नेम क्या बोलेंगे हम लोग? 5 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरो और साइक्लोहेक्स 1-in-3-ion। बिल्कुल, मतलब मुझे जो नाम दे रखा है इसके लिए वो करेक्ट है, यही दे रखा है, 5 ब्रोमो है, 6 पे क्लोरो है, साइक्लोहेक्स 1-in-3-ion है। चलो सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड क्या बोल रहा है हमें? फाइव मेंबर रिंग दे रखी है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है और ये ME है, इसमें हमें देखना है। तो कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? ऑब्वियसली फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। फंक्शन ग्रुप कौन है? यहाँ पे OH है, इसको फर्स्ट नंबर देंगे। अब मिथाइल की तरफ जाएंगे कि डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे? भैया पता है आप लोगों को कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में क्या देखते हैं हम लोग? सब्सिट्यूएंट देखते हैं। तो 1 के बाद में 2 देन 3 देन 4 देन ये 5, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इसके आईयूपीएसी नाम 5-methyl-then-cyclopent-2-in-1-ol। बट हमें क्या दे रखा है? हमें 2-methyl दे रखा है, तो वो गलत है। इसका आईयूपीएसी नेम जो दिया हुआ है वो गलत दे रखा है हमें। थर्ड देखें हम लोग, थर्ड क्या होगा? थर्ड में अगेन ये डबल बॉन्ड दे रखा है, उस पर मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास में इथाइल है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके अंदर? जहाँ पे डबल बॉन्ड सब्सिट्यूटेड होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 6 हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 5 पे इथाइल 1 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्सीन, बिल्कुल यही दे रखा है हमें। 5 पे इथाइल 1 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दे रखा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ को भी देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ में क्या दे रखा है हमें? इधर एम ई दे रखा है और इधर ET दे रखा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस ME को तो UCH3 लिख रहा हूँ और ET की जगह क्या लिख रहा हूँ? CH2CH3 लिख रहा हूँ। अब देखो भैया नंबरिंग की बात करें तो हम लोग फर्स्ट नंबर इसको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, इस तरीके से नंबरिंग दे सकते हैं। तो क्या नाम हो गया मेरे पास में? 2, 4 पे डाई मिथाइल आ गया, सब्सिट्यूएंट एज ए सब्सिट्यूएंट 2 और 4 पे डाई मिथाइल प्रेजेंट है एंड देन हेक्सेन, सिंपल सा। तो मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। वैसे भी हमसे गलत पूछा था कि कौन सा वाला गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला जो आईयूपीएसी नेम हमें दे रखा है वो गलत है। चले हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या दे रखा है हमें? एसिड दे रखा है CH3COOH और उसकी रिएक्शन करवा रखी है SOCl2 के साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ में। क्या बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ वाला जो हमें दे रखा है CH3COOH, इसकी रिएक्शन जब हम लोगों ने SOCl2 के साथ में करवाई तो हमारे पास में बनेगा CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड बनेगा। उसके बाद में रिएक्शन करवा रखी है 3-methyl-aniline के साथ में, 3-methyl-aniline के साथ में रिएक्शन करवा रखी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपल सा, ये नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है ये अटैक करेगा इसको, ये इधर, ये बाहर निकालेगा। मतलब हम लोग 3-methyl-acetanilide बना देंगे यहाँ पे, NHCOCH3, ये हमारे पास में बन जाएगा इस रिएक्शन से, सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगी। उसके बाद में हमें और भी आगे दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दे रखा है, LiAlH4 दे रखा है और हाइड्रोलिसिस दे रखा है। क्या कराओगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या काम करेगा? बहुत सिंपल सा काम करेगा, इस अमाइड को अमीन में चेंज कर देगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा NH CH2 CH3 और थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल। अच्छा इसको ठीक है ऊपर ही लगा लो, एक ही बात है, NH CH2 CH3 और थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया मेरे पास? मिथाइल है। तो देख लो भैया ऐसा कोई ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कौन सा दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। चले हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट्स विद न्यूट्रल FeCl3, FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ में कौन रिएक्ट करता है? फिनॉल रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर रिएक्शन नहीं कर रहा इसका मतलब
कि मेरे पास में फिनॉल एब्सेंट है, सिक्स्थ वाले में रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब फिनॉल क्या है मेरे पास नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा, फैलिंग के साथ में भी रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब एल्डिहाइड जो है, या हमें पता है बाकी और भी देते हैं फैलिंग सॉल्यूशन, बट मोस्टली अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड जो है वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रहा है, इट हाउएवर रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, द कंपाउंड इज, ठीक है, ऐसा कंपाउंड बताना है जो कि मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन भी करता है और साथ में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। तो देखो भैया ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला वाला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि यहाँ पे हमारे पास में OH है और ये दे रखा है मुझे COCH3। ये तो फिनॉल ग्रुप आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि साफ साफ बना किया है कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ में टेस्ट नहीं देता। सेकेंड वाला क्या कह रहा है हमें, ये दे रखा है यहाँ पे OHCH3 लगा रखा है, नीचे लगा रखा है CH2CH3 लगा रखा है। क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल भैया ये ग्रुप यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या ये फिनॉल है मतलब न्यूट्रल FeCl3 के साथ में टेस्ट देगा, नहीं उसके साथ में नहीं देगा। एल्डिहाइड के लिए टेस्ट देगा, नहीं देगा, मतलब जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट है वो इसमें पूरी हो रही है, ये कंपाउंड हो सकता है। चलो बाकी भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड वन क्या बोल रहे हैं, थर्ड वन कह रहा है कि यहाँ पे अपने पास में CO अगेन C2H5 मतलब CH2CH3 दे रखा है, यहाँ पे OCH3 दे रखा है। देखो भैया ना तो ये फिनॉल है ना फैलिंग के साथ में टेस्ट देगा, यहाँ तक तो बात ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड के साथ में भी रिएक्शन कर लेगा, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, लेकिन हमें तो क्या बोला कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो मतलब ये भी कंपाउंड मेरे पास नहीं हो सकता। लास्ट वाले कंपाउंड को देख लें हम लोग, फोर्थ वन को, OCH3 यहाँ पे एल्डिहाइड दे रखा है CHO। न्यूट्रल FeCl3 के साथ में टेस्ट नहीं देगा, है ही नहीं, फिनॉल नहीं है। ठीक है, फैलिंग के साथ में, अब ये मत बोलना सर एल्डिहाइड है तो, बेंजल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट नहीं देते हैं तो ये भी नहीं देगा। और फिर क्या बचा हमारे पास में, ग्रिग्नार्ड के साथ में रिएक्शन दे देगा लेकिन अगेन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चले हम लोग आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहे हैं यहां पे सेवंथ क्वेश्चन में, कपलिंग ऑफ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड विद वन नेफ्थॉल इन एल्कलाइन मीडियम विल गिव वन नेफ्थॉल यही बनाते हैं हम लोग, इसकी कपलिंग करवानी है हमें बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड के साथ में, मतलब ये लिख दूं इसको, एल्कलाइन मीडियम है मेरे पास और वैसे भी हमें पता है जब OH प्रेजेंट होता है तो हमें एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, pH 9 to 10 के आसपास, 10-11 के आसपास। अब यहाँ पे देखो भैया सिंपल सी बात है, जब हम लोग कपलिंग रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है, और इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, तो OH इस रिंग में अटैक करवाएंगे। तो सबसे पहली बात, इस रिंग पे अटैक करवाएं कि इस रिंग पे अटैक करवाएं, बिल्कुल जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसमें अटैक करवाएंगे, मतलब सेकेंड वाली रिंग में। और सेकेंड वाली रिंग में भी मैं अब कहाँ पे जोड़ूं, OH कैसा डायरेक्टिंग है, OH ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, लेकिन बड़ा ग्रुप है ऑर्थो पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे बना दें हम लोग, पैरा के ऊपर बना देते हैं। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना दें हम लोग, OH और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन, ठीक है, मतलब उसको बड़ा करके लिख दिया मैंने। तो देख लो भैया ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आप लोगों के पास में है, कहीं पे, बिल्कुल है, फर्स्ट में ही है, बस रिवर्स कर रखा है, वो एक ही बात है, स्ट्रक्चर को रिवर्स करके बना दिया। तो सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, Cl2 कैन बी ऑप्टेंड बाय, Cl2 किससे मिल सकता है हमें, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें डिकॉन्स प्रोसेस। डिकॉन्स प्रोसेस क्या काम में लेते हैं हम लोग, किस लिए काम में लेते हैं, HCl से हम लोग Cl2 बनाते हैं, HCl का मैं कह दूँ कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं, O2 के साथ में रिएक्शन करवा के हम लोग यहाँ पे बनाते हैं Cl2 बनाते हैं, 4HCl ले लेते हैं प्लस ट्वाइस H2O, ठीक है ना, ये डिकॉन्स प्रोसेस कहते हैं। तो Cl2 बन रहा है हमारे पास में डिकॉन्स प्रोसेस में। सेकंड कौन सा दे रखा है हमें, डाउन सेल प्रोसेस दे रखा है। डाउन सेल प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग फ्यूज्ड सॉल्ट लेते हैं NaCl का या MgCl2 का, मतलब जो भी S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका फ्यूज्ड सॉल्ट लेते हैं, NaCl ले लेते हैं मोस्टली, क्योंकि आप लोग NaCl के साथ में ही पढ़ते हो, फ्यूज्ड सॉल्ट लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, हमारे पास में क्या बनेगा, Na बनेगा सॉलिड प्लस हम लोग Cl2 बना देते हैं, ठीक है। कहाँ पे बनता है ये, ऐसे पूछ ले तो एनोड पे बनता है, Cl2 एनोड पे बनता है हमारे पास यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन, मतलब यहाँ भी मुझे Cl2 मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मुझे नेल्सन सेल प्रोसेस। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग NaCl ही लेते हैं, लेकिन उसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस लिख दो, और या फिर यहाँ पे मैं H2 लिख देता हूँ, इसका भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यहाँ पे हम लोग NaOH बनाने के लिए काम में लेते हैं इसको, NaOH बनेगा प्लस मेरे पास में H2 बनेगा प्लस Cl2 बनेगा, बैलेंस कर लेना, हाफ Cl2 हाफ H2 आ जाएगा, तो मतलब तीनों ही प्रोसेस में मेरे पास में Cl2 बन रहा है, ऑल ऑफ दीज भी हमें दे रखा है, तो बस सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या लगा दोगे, 8 का 4 लगा दोगे, चले भैया आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट्स 1 मोल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। हमें पता है कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, मतलब जो लीगेंड उसके साथ में अटैच होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो लीगेंड अटैच होते हैं, वो तो बाहर जाएंगे नहीं, वो तो रिएक्शन करेंगे नहीं, लेकिन जो दूसरी वैलेंसी होती है हमारे पास में, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो क्या करेगी, उसके जो भी क्लोरीन है वो Ag के साथ में रिएक्शन करके AgCl की PPT बना देंगे। तो देखो भैया यहाँ पे, और क्रोमियम जो है उसका हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 ले लेते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में तो हाइड्रोजन H2O 3 दे रखे हैं, Cl3 3 दे रखे हैं, मतलब बाहर मेरे पास में एक भी क्लोरीन नहीं है, तो एक भी AgCl PPT नहीं बनेगा। सेकंड वाले में भी नहीं बनेगा, क्योंकि H2O 4 Cl2 2 6 ही है, बाहर कुछ भी नहीं है, तो नहीं बनेगा। तीसरे वाले में मुझे H2 होल 5 Cl दे रखा है और Cl2 दे रखा है, मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 AgCl की PPT बन जाएगी, क्योंकि H2O 5 है, 1 Cl है, वो तो क्या हो गए, वो तो उसके साथ में लिगेंड की तरह जुड़ गए, वो तो Ag के साथ में रिएक्शन देंगे नहीं, बाहर जो मेरे पास में Cl2 है वो रिएक्शन करेंगे। अब देखो भैया, फोर्थ ऑप्शन जानबूझ के किस तरीके से लिखा है, क्योंकि अगर सिंपल लिखता था तो हर कोई सॉल्व कर देता ना, वो इसी तरीके से देता है, क्या दे रखा है उसने, CrH2O होल 6 और Cl3 दे रखा है। अब पहली चीज कि यहाँ पे नो लिगेंड, तो एक साथ एक क्रोमियम के साथ में जुड़ नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग H2O जोड़ेंगे 6, और जो 3 क्लोरीन बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो AgCl के साथ में PPT दे देंगे, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो Cl का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर वो होगा नहीं, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब देखो बात सीधी सी है कि अगर इसमें सीधा सीधा लिख देते ना कि Cl3 बाहर की तरफ, तो फिर क्या होता, फिर तो कोई भी टिक कर देता। चलो फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 10th, एलिंगन डायग्राम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, सब लोगों ने पढ़ा है, मेटलर्जी में पढ़ते हो एलिंगन डायग्राम, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, मतलब किससे ज़्यादा स्टेबल है, कौन जो है वो उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है उस मेटल की फॉर्म में, इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं मेटलर्जी में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछ लिया कि वो जो डायग्राम बनाते हैं हम लोग एलिंगम डायग्राम, वो किस किस के बीच में बनाते हैं, ठीक है ना भैया, जनरली लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ को, तो हम लोग वहाँ पे बनाते हैं डेल्टा जी और टेम्परेचर के साथ में। डेल्टा जी मतलब जो भी वो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस, यही तो देखते हैं कि रिएक्शन होगी, फिजिबल होगी कि नहीं होगी, यही तो देखते हो आप लोग, तो मतलब डेल्टा जी के साथ में और टेम्परेचर के साथ में हम लोग वो ग्राफ बनाते हैं। डेल्टा एच के साथ में नहीं बनता,
प्रेशर के साथ में नहीं बनता, डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस के साथ में नहीं बनता, सिंपल सिंपल डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के साथ में हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 10th में अपने पास में, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11th। 11th में क्या दे रखा है, मैच द फॉलोइंग दे रखा है, एनवायरमेंटल का क्वेश्चन है ये, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं सबसे पहले हमें, ए में बोल रहा है डी डी टी किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है। तो इसका ए का क्या बन रहा है मेरे पास में, ए का मेरे पास में आएगा थर्ड। उसके बाद में क्या कर रहा है, पी ए एन, पी एन कहाँ पे होता है, स्मॉग में प्रेजेंट होता है, जो स्मॉग बनता है जो धुंध बनती है उसमें हमारे पास में पी ए एन प्रेजेंट होता है। तो बी का मेरे पास में क्या आ गया, सेकंड आ गया एसिड रेन, एसिड रेन नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड SO2 इन सब की वजह से बनती है। SO2 जो होता है वो H2O के साथ में रिएक्शन करके एसिड रेन कॉज करता है। तो यहाँ पे मेरे पास में सी का क्या आ गया, फोर्थ आ गया, ग्लोबल वार्मिंग पता ही है किसकी वजह से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इन सब की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देख लो भैया ये ऑप्शन कहाँ पे आपके पास में, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का वन, फोर्थ ऑप्शन में है, बिल्कुल 11 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म थ्री सीरीज ऑफ सॉल्ट, तीन सीरीज के सॉल्ट बनने चाहिए। वैसे क्वेश्चन ये आप लोगों ने किया हुआ है, अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। थ्री सीरीज ऑफ सॉल्ट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं H3PO2 कैसे बनाते हो इसको, डबल बॉन्ड O बनाते हो, H बनाते हो, H बनाते हो और ये OH बनाते हो। मतलब इसका अगर मैं सॉल्ट बनाना चाहूँ, सॉल्ट बनाना चाहूँ तो केवल एक ही सॉल्ट बना सकता हूँ, इस एक H को हटा सकता हूँ, एक ही टाइप का सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है मुझे, H3BO3, ये तो भैया केवल जो है एसिडिक होता है, वीक एसिड होता है, सॉल्ट बनाएगा तो ये कुछ देता नहीं है, बल्कि क्या करेगा ये OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है, BOH इस तरीके से सॉल्ट बना लेता है, ये BOH होल 4 का माइनस, ठीक है, और वो भी केवल एक ही ले सकता है। तो ये भी क्या कर सकता है, थ्री सीरीज ऑफ सॉल्ट नहीं बना सकता। मतलब मान लो NaOH के साथ में अगर हम लोग करवा रहे हैं तो क्या बना देंगे, ये बना देंगे बस। अगला क्या बोल रहा है, H3PO4 स्ट्रक्चर कैसा होता है H3PO4 का, देख लेते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड देन अगेन OH। यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन हटा सकते हो, अगर एक ही हटाया है तो एक सॉल्ट बना दिया आप लोगों ने, ठीक है, ये भी हटा सकते हो तो Na2 आ जाएगा, सेकेंड सीरीज ऑफ सॉल्ट बन गया, इसको भी हटा दिया तो थर्ड सीरीज ऑफ सॉल्ट बन गया, कि तीनों हाइड्रोजन को बना दिया, तो ट्राई सीरीज ऑफ सॉल्ट बना रहा है। H3PO3 पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच एंड ओ एच। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक बार ये हाइड्रोजन हटाऊँ, वन सीरीज ऑफ सॉल्ट बन जाएगा, उसके बाद में इसको भी हटाऊँ, सेकेंड सीरीज ऑफ सॉल्ट बन जाएगा, तो केवल दो ही सीरीज बना सकता है सॉल्ट की, ये तीन बना सकता है, ये एक बना सकता है, ये एक सीरीज बना सकता है। आपसे क्या पूछा है, ट्राई सीरीज पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग मोनोप्रोटिक डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक उस तरीके से भी देखते हो, लेकिन बस यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पूछने का तरीका बदल लिया, तो थर्ड आंसर आ जाएगा भैया। चले हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमें आयनिक रेडियाई का ऑर्डर दे रखा है और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ओ माइनस टू दे रखा है, एन माइनस थ्री दे रखा है। देख लेते हैं कि किसका साइज बड़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ओ माइनस टू एंड एन माइनस थ्री। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जेड इफेक्टिव जो है वो किसका ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव मेरे पास में ओ माइनस टू का ज़्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा इसके जेड इफेक्टिव से, तो साइज़ किसकी बड़ी होनी चाहिए, अगर इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो इसकी साइज छोटी होगी, एन माइनस थ्री की साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें रिवर्स दे रखा है और हमसे पूछा भी क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो फर्स्ट वन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड वन देखें, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ली ना कर रब, लिथियम सोडियम पोटेशियम
रुबिडियम ये दे रखा है, भैया गलत दे रखा है हमें, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो हम लोग देखते हैं कि कितना इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल सकता है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी वो उतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का होगा। और हमें पता है कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं एल्कली मेटल की सीरीज में तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये हो जाएगा। तो मतलब ये भी मुझे गलत दे रखा है। थर्ड वन को देखें हम लोग, थर्ड वन में क्या बोल रहा है वो, जेड इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ लिनाकरब। भैया जो जेड इफेक्टिव होता है एक ग्रुप में वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, तो ये ऑर्डर भी हमें गलत दे रखा है कि लिनाकर 2.2 होता है इनका ऑर्डर, कांस्टेंट होता है, तो ये भी मुझे स्टेटमेंट क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर, हाइड्रेशन एनर्जी सिंपल सा है कि जितना चार्ज होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, मतलब उतने ज़्यादा H2O उससे सराउंड होंगे, उसे सॉल्वेट करेंगे, उसे हाइड्रोलाइज करेंगे और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो Fe हमें ये दे रखा है कि Fe प्लस 3 का Fe प्लस 2 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, और Fe प्लस 4 का भी Fe प्लस 2 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन मुझे सही दे रखा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये 13 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के, बाकी के 7 क्वेश्चन TC गुप्ता सर आपसे डिस्कस करेंगे। इंटीजर टाइप में आ जाओ, जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इंटीजर टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है हमें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल ओवरलैपिंग्स आर नॉट अलाउड, कौन सी अलाउड नहीं है। सबसे पहले मुझे एस के साथ में ओवरलैपिंग करनी है, भैया एस स्फेरिकल होता है, ये अपना डंबल इस तरीके से होता है, तो इसके साथ में जब भी ओवरलैपिंग होती है तो ये ओवरलैपिंग यूं ही होती है, जिस तरीके से दिखा रखी है हमें, जिस तरीके से दिखा रखी है वो ऐसे ओवरलैपिंग कभी नहीं होती, क्योंकि एस जो है वो कभी भी हमारे पास पाई ऑर्बिटल नहीं बनाता, मतलब इस तरीके से ओवरलैपिंग जो दिखा रखी है ना वो कभी नहीं होता, ये कभी पाई नहीं बनाता, हमेशा सिग्मा ही बनाता, तो ऐसे ओवरलैपिंग करता है पी के साथ में। तो मतलब फर्स्ट वन क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। सेकंड वन ये भी गलत दे रखा है, इस तरीके से कभी नहीं करते कि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे इस तरीके से प्रेजेंट हो, कभी नहीं करेगा भैया। क्यू वाला भी मुझे ओवरलैपिंग का तरीका एकदम गलत दे रखा है। आर वाले में तरीका तो ठीक है, लेकिन जो वेव साइन लेते हैं हम लोग, जब भी हम लोग बॉन्डिंग करवाते हैं, ओवरलैपिंग करवाते हैं, तो जो वेव साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में करवाते हैं एंड नेगेटिव नेगेटिव के बीच में हम लोग बॉन्डिंग करवाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब आर वाला भी मुझे गलत दे रखा है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एस वाले के ऊपर। एस वाला बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड बनता है और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में ओवरलैपिंग हमें दिखा रखी है, तो वो सही है, बिल्कुल सही है। टी वाला मतलब R वाला गलत है, S वाला ठीक है, T वाला जो है अगेन वहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में ओवरलैपिंग करवा रखी है, दिखा रखी है, तो वो भी क्या है, वो भी एकदम करेक्ट है। मतलब S हो सकता है, T हो सकता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, कौन कितने नहीं हो सकते, तो P नहीं हो सकता, Q नहीं हो सकता, R नहीं हो सकता, P Q R पॉसिबल नहीं है। तो कितने पॉसिबल नहीं है, 3 आंसर आ जाएगा, 0-3 आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें हम लोग। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैव सेम आइडेंटिकल कॉन्फिग्रेशन इन ऑल पोजीशन एक्सेप्ट दिस पोजीशन ऑफ कार्बन, डैश डैश दे रखा है, मतलब कौन सी पोजीशन पे कार्बन की कौन सी पोजीशन पे उनका कॉन्फिग्रेशन डिफरेंट होता है। भैया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लूकोज आप लोग जानते हो, अगर मैं डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे CHOOH, देन HOHOH, इधर CH2OH, यही बनाते हो, क्या कहते हो इसे आप लोग, डी ग्लूकोज कहते हो, और इसका C4 एपीमर, एपीमर का मतलब ये होता है कि केवल उस कार्बन के ऊपर कॉन्फिग्रेशन डिफरेंट है, बाकी सब कार्बन पे क्या है, सेम है, यही तो हम लोगों से पूछा है। तो ये जो C4 एपीमर हम लोग इसका बना रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पे CHO हो गया, इधर OH, H, H, देन ये OH है, देन दिस वन इज CH2OH,
चाहो तो कार्बन नंबर डाल दो भैया इस तरीके से। ये मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो देखो यहाँ पे कौन से कार्बन के ऊपर, कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, फोर्थ नंबर के कार्बन पे, बाकी सब पे क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे C4 एपिमर कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 04 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशन हुआ। अभी हमारे साथ में TC गुप्ता सर है, वो आपके साथ में फिजिकल का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम TC गुप्ता, टीम केमिस्ट्री, टीम सेल्जी। तो हम कंटिन्यू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री आपकी जो रिमेनिंग थी, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सेक्शन हमें फिजिकल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 से 20 और सेक्शन डी में है 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 है, द एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 0.01 mNaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन है, और 0.1 mNH4OH है, वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, इट मीन्स किस में जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। और यहाँ पे Ke की वैल्यू क्यों है ना, NH4+ पूछ रहा है। तो सिंपल जी बात है, Ka है या Kb, Kb वैल्यू बेटा, Kb की वैल्यू है 10^-5 इक्वल टू है कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। कैलकुलेट हमें क्या करना है इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम प्लस, ठीक है। तो 10^-5 इक्वल टू अमोनियम प्लस की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। OH माइनस मेनली कहाँ से आएगा, तो वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मेनली स्ट्रॉन्ग से आएगा, वीक ऑलरेडी वीक, अल्फा बहुत कम होगा, और यहाँ पे दोनों कॉमन आयन क्या है, OH है, तो बिकॉज ऑफ कॉमन आयन क्या होगा, इसका अल्फा पहले से कम और कम हो जाएगा बेटा। तो मेनली OH माइनस आपका यहाँ से आएगा, और यहाँ से कितना है, 0.1 mM है, और NH4OH की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 mM है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और फाइनल आंसर क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इक्वल टू 10^-5 mM, यानी आपका इस ऑप्शन कौन सा है बेटा, फोर्थ। तो आपका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 की, इन ए बैंक देर इज मैनी कॉइंस एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.6 माइक्रोग्राम ऑफ मिथेन। 15 की बात करें तो मिथेन का अमाउंट है 1.6 माइक्रोग्राम, इसमें आपको करना है नंबर ऑफ कॉइन और इक्वल टू किसके, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल है, यानी अल्टीमेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आपको। एक बैंक में CH4 की 1.6 माइक्रोग्राम मात्रा में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर सिक्के हैं, यानी अणुओं की संख्या और कॉइन की संख्या, सिक्के की संख्या बराबर है, तो सिक्के कितने हैं, अणु कितने हैं, तो अणु कितने मतलब मॉलिक्यूल, क्या करेंगे पहले मोल निकाल लें, और नंबर ऑफ मोल इंटू क्या कर देंगे एन ए, मोल क्या होता है वेट इन ग्राम, माइक्रोग्राम को ग्राम में कर लें बेटा, अपन मोलर मास कितना होता है 16 इंटू एन ए, कितना हो गया सोल्व करेंगे तो इसको 16 - 7 कर लें क्या, तो 6.023 और 23 - 7 कितना हो गया 16। कौन सा ऑप्शन है बेटा ऐसा, फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। ए क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल ए बी सी, ए फॉर्म एफ सी सी, ए है, बी है, सी है, ए फॉर्म एफ सी सी, कितने पार्टिकल होते हैं एफ सी सी में, 4 होते हैं। बी ऑक्यूपाई ऑल ओ वी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफल की रिक्ति कितनी होती है, जेड के इक्वल, तो 4 ही ओ वी होगी। और एंड सी ऑक्यूपाई ऑल टी वी, सी आता है टी वी पे, टी वी क्या होता है डबल 2Z, तो सी वी कितनी हो जाए, टी वी हो जाएगी 8, क्लियर बेटा। इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग ए बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल यानी वन कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर के सारे पार्टिकल रिमूव कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो कॉर्नर के पार्ट बात करें तो बॉडी डायगोनल पे दो तो कॉर्नर के पार्टिकल जाएंगे, कॉर्नर मीन्स एफ सी सी के दो पार्टिकल जाएंगे, तो एक पे जाता है कितना 1/8, तो 2 पे कितना जाएगा बेटा 2/8 पार्टिकल जाएगा। बॉडी डायगोनल कहाँ, बॉडी सेंटर से पास होगा, और बॉडी सेंटर में क्या होता है 1 OV होती है, तो ओ वी एक चली जाएगी वहाँ से, और कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे टी वी होती है, तो एक बॉडी डायगोनल में 2 टी वी रिप्लेस हो जाएगी, तो टी वी 2 कम कर दो बेटा, फाइनल क्या बचा आपके पास 1/4, 4 - 1/4 क्या हो गया 16 - 1 15,
बाय 4 रेशो 3 रेशो 6, 3 से कैंसिल कर दो बेटा, 3 5 2, तो क्या हो गया 5 रेशो 4 रेशो 5 रेशो, ठीक है 4 रेशो 8, यानी फाइनल आंसर क्या हुआ, ए 5 बी 4 सी 8, देखते हैं ऑप्शन बेटा, ए 5 बी 4 सी 8 फर्स्ट ही करेक्ट है बेटा, फर्स्ट ये दिया हुआ तो क्या आएगा बेटा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 17, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए गिव्स टू बी प्लस सी, ए गिव्स टू बी प्लस सी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, के की वैल्यू है 10^-3 मोलैरिटी पर सेकेंड। अब यूनिट से हमें कंफर्म हो गया कि ऑर्डर जीरो है, ऑर्डर क्या है इसमें जीरो, अगर फर्स्ट होता तो क्या होता यूनिट सेकेंड इनवर्स होती। इफ़ यू स्टार्ट 1m ऑफ ए टी इक्वल टू जीरो पे, इसकी 1m है, इसकी जीरो है, इसकी जीरो है, देन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आफ्टर 10 मिनट्स, टी इक्वल टू 10 मिनट के बाद क्या करना है हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो 1 में से हम क्या करते हैं मान लो एक्स क्या होती है डिसोशिएटेड कंसंट्रेशन है, तो इसके भी एक्स बनेंगे, इसके भी एक्स बनेंगे, और जो कंसंट्रेशन रिमेनिंग है 1-x क्या बोलेंगे सी टी, सी टी यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्लियर। अल्टीमेटली सी टी पता करना है तो वो ए की कंसंट्रेशन हो जाएगी, एक्स आते ही बी की कंसंट्रेशन हो जाएगी, ठीक। तो फर्स्ट सॉरी जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अप्लाई कर दो आप, सी नोट माइनस सी टी इक्वल क्या होता है बेटा के टी, सी नोट कितना है इनिशियल 1 है, ठीक है, सी टी कैलकुलेट करना है इक्वल टू के कितना दिया हुआ 10^-3 मोलरिटी पर सेकेंड टाइम मिनट में, तो सेकेंड में कर लें बेटा, और मिनट को सेकेंड में के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1-CT इक्वल टू क्या हो गया 0.6 हो गया क्या, तो सी टी इक्वल हो गया 0.4, यानी ए की जो कंसंट्रेशन है वो तो होगी 0.4, और 1-x क्या होगा, 1-x क्या होगा, 1-x इक्वल टू है 0.4, तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0.6, यानी ये 0.6 आ गया बेटा, क्लियर, बात समझ में आ गई क्या, यानी ए की कंसंट्रेशन 0.4 और बाद में जो है सी की 0.6 है, तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड, तो कौन सा होगा बेटा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट कर रहा है KI के साथ, तो I2 कितने मोल बनेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिसका अमाउंट गिवन है, जिसका पूछ रहा है, उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देते हैं, तो नोट डाउन करो आप यहां तक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इक्वल टू I2, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ क्या लेंगे मोल इंटू VF लेंगे, तो K2Cr2O7 के मोल कितने हैं 1 है, इसका VF 6 होगा क्योंकि इससे बनेगा क्या क्रोमियम प्लस 3, और होता क्या है चेंज इन ON पर मोलिक्यूल, ठीक है, तो 1 का 6, 2 का 12 पर मोलिक्यूल, 2 का देखेंगे या 1 का 3, 2 का 6, 12 6 कितना बेटा 6 का चेंज हो गया। I2 के मोल कितना है बेटा, I2 के मोल हमें कैलकुलेट करना है, और I2 किससे बना है KI से, तो यहाँ 2 atom तो 2 के चेंज इन ON पर मोलिक्यूल, तो I2 में 2 atom बेटा, 1 का 0, 2 का 0, इधर 1 का माइनस 1, 2 का माइनस 2, यानी 0 से 2, 2 का चेंज हो गया तो 2, तो मोल कितना हो गया बेटा 6/2 बोले तो 3 मोल, 3 ऐसा ऑप्शन में है क्या बेटा, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCA शोन PV डायग्राम नेटवर्क। अब साइकिल में क्या होता है एरिया निकाल लें, और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बेटा क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ एरिया, और ट्रायंगल बन रहा है तो माइनस हाफ, बेस कितनी बेटा 3V1-V1 2V1, इंटू हाइट कितनी है 6P1-P1 यानी 5P1, क्या हो गया -5P1V1, ऑप्शन देखें बेटा ऐसा कौन सा है,
ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 की बात करें, 20 में है द काइनेटिक एनर्जी इन किलो कैलोरी ऑफ 80 ग्राम ऑफ मीथेन, तो पर मोल क्या होती है, के ई 3/2 आर टी, पर मोल यानी 1 मोल के लिए, तो एन मोल के लिए नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, अब वैल्यू पुट कर दो 3/2 आर कैलोरी में 2, टी कितना है 227 डिग्री सेल्सियस और कैलोरी में 273 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 500 मोल, कितने होंगे 80 ग्राम मीथेन में, मोलर मास कितना होता है 16 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है 5 25 75 00 कैलोरी और किलो कैलोरी के लिए 1000 डिवाइड कर दो 7.5 किलो कैलोरी, ऑप्शन देखो बेटा 4, तो आपका 4th करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन डी में, आपका 1, 2, 3 है, तो सेक्शन डी का पहले 1 सोल्व करते हैं। 1 है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, तो क्या होता है फॉर्मूला h/2y रूट एस एस प्लस वन सॉरी रूट एल एल प्लस वन एजिमुथल क्वांटम नंबर द्विगंशिक क्वांटम संख्या, और एस के लिए क्या होता है एल इक्वल टू 0 होता है, तो 0 पर करके आंसर क्या आएगा बेटा 0 0 आंसर आ जाएगा, क्लियर, तो बात हो क्वेश्चन नंबर 1 की 0 0 आंसर आ गया, क्लियर बेटा। नेक्स्ट है लोग एक्स बाई एम में और लोग पी में ग्राफ है बेटा, तो देखो फेंडलिच आइसोथर्म इक्वेशन से इक्वेशन बना है, एक्स बाई एम इक्वल टू क्या होता है के पी रेस द पावर एन, एक्स बाई एम क्या है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्ब, के है कॉन्स्टेंट एन कॉन्स्टेंट है पी बोले तो प्रेशर, तो लोग एक्स बाई एम क्या होगा लोग ए इन टू बी लोग के प्लस 1/n लोग पी होगा, अब ग्राफ लोड क्या है लोग एक्स बाई एम में और लोग पी में, तो वाई एक्स पी एक्स बाई लोग एक्स बाई एम इसको वाई मान लेंगे और इसको एक्स मान लेंगे, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखा है, तो देखो आप हमें वैल्यू निकालनी है किसकी बेटा एक्स बाई एम की निकालनी है, तो देखो लोग एक्स बाई एम इक्वल टू लोग के, अब लोग के क्या होगा देखो x इक्वल टू 0 पे y 0 y क्या होगा लोग क्या होगा ना, तो देखो आप ग्राफ क्रम देखें कर्व की बात करें तो इस तरफ से ग्राफ आ रहा है क्या x 0 पे क्या हो रहा है जो लोग y की वैल्यू क्या रही है लोग के, और ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी बेटा ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे लोग 2 यानी k की वैल्यू लोग k की वैल्यू क्या है बेटा लोग 2 है किसकी लोग k की, तो ये हो गया आपका लोग 2 प्लस लोग पी की वैल्यू और 1/n स्लोप है स्लोप क्या है एम एक्स 1/n और यहाँ 45 है 10 45 की वैल्यू 1 होगी क्लियर, और पी की वैल्यू है 2 atm 2 एटमोसफेयर तो लोग 2, अब लोग 2 प्लस लोग 2 क्या हो गया बेटा लोग 2 लोग 2 और 2 लोग 2 में क्या करूँ लोग 2 की पावर 2, अब लोग से लोग कैंसिल कर दें बेटा तो क्या हो जाएगा x बाई एम की वैल्यू आ गई 2 की पावर 2 कितना 4, तो क्या आंसर आएगा 4 क्लियर। नेक्स्ट है ए ऑक्सो ब्रोमो कंपाउंड के बी आर ओ एक्स एक्स इज नोन इज एनालाइज एंड फाउंड टू बी कंटेन 52.92% ब्रोमीन बाई वेट, तो x क्या होगा एक ऑक्सी ब्रोमो रोगी में के बी आर ओ एक्स में 52.92% ब्रोमीन है, तो x की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको भी हम, तो देखो क्या होगा परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन क्या होगा मास ऑफ ब्रोमीन के बी आर ओ एक्स ब्रोमीन का एक एटम का मास 80 अपन टोटल मास कितना होगा के का 39 ब्रोमीन का 80 और ओके एक्स एटम है तो एक का 16 तो एक्स का 16x बोलो इंटू 100 और ये कितना आ रहा है कितना गिवन है 52.92% क्लियर यानी 52.92 इसका आंसर आना चाहिए सोल्व करो इसको 80 अपॉन 80 प्लस 39 कितना हो गया 119 प्लस 16x
इंटू 100 बोले तो 52.92। तो 119 प्लस 16x कितना हो गया, 8 इंटू 10^3 अपॉन 52.92। क्लियर? तो इसको सोल्व करने से जो फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा बेटा। ओके बेटा, तो इसी के साथ फिजिकल का इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तीनों आपके सॉल्यूशन कंप्लीट है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय सी एल सी। गुड मॉर्निंग बच्चों, माईसेल्फ ताराचंद, टीम मैथ्स फ्रॉम सी एल सी सीकर। तो आज हम लोग जो हमारा मेजर 8 है उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि मैथ्स का क्या होगा, कैसे होगा। क्लियर है? सो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस हैज। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, हिंदी में बात करें तो समीकरण जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या रखती है, मीन्स कितने सॉल्यूशन रखती है, एक सॉल्यूशन रखती है, दो रखती है या तीन रखती है, कितने सॉल्यूशन है, इसके बारे में ही आपको क्या करना है, बात करना है। क्लियर है? सो चलिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मैथ्स का, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स प्लस 3 माइनस 4 टाइम रूट ओवर एक्स माइनस 1। पावर 1/2 का क्या मीनिंग हुआ, रूट, और फिर कंप्लीट का रूट, और आगे आपको दिया हुआ है प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 8 माइनस 6 टाइम रूट ओवर एक्स माइनस 1। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन मैथ्स का। क्लियर? देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी स्क्वायर रूट दिया हुआ हो तो आपको एक ही तरीका अपनाना है वहाँ पर। ठीक है, क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, ये जो टर्म लिखी हुई है ना इसी की हेल्प से। तो एक टर्म तो होगी आपकी रूट एक्स माइनस 1, और जो 4 होगा ना इसमें से एक 2 को तो आपको बाहर रखना है और एक 2 जो है वो उसको काम में लेना है। तो इस तरीके से ये जो बनेगा आपके सामने, ये रूट के अंदर बन जाएगा आपका रूट ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको आप ओपन करके देखिए, आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली आप दूसरे वाली टर्म को देखेंगे तो दूसरी वाली टर्म मिलेगी आपके पास में रूट ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको भी आप ओपन कीजिए, आपको देखिए ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। क्लियर है? कैसे बनाते हैं, तो ये जो टर्म्स होती है ना इसी की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें से एक 2 को छोड़ देते हैं और बाकी जो दो टर्म्स होती है उसके फैक्टर्स लेकर के और चेक करते हैं कि कौन सी दो पॉसिबिलिटीज होगी जिससे आपके सामने ये आ रहा है। क्लियर है? चलिए, जब रूट से स्क्वायर को कैंसिल आउट करोगे तो मॉड आता है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको मॉड ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 2 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 3 का मॉडुलस, और इक्वल टू में आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको t मान लूँ तो यह है देखिए t माइनस 2 का मॉडुलस प्लस t माइनस 3 का मॉडुलस, दैट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? और इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, ठीक है, वैसे तो इसके 3 केस बनते हैं हमारे पास में, बट हमें ये देखना है कि इसके 9 सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, दो होगा या दो से ज़्यादा होंगे। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं जो मिडिल वाला जो केस होता है, जब टी आपके पास में जो 3 केस बनते हैं उसमें से इस वाले केस में क्या आ रहा है 2 से लेकर के 3 के बीच। क्यों? क्योंकि अगर इसमें सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, तो आपके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और अगर इसमें नहीं आएगा तो फिर हम बाकी जो दोनों पार्ट है उसमें चेक करेंगे। जब इसको आप चेक करोगे तो ये आपके पास में जब 2 से 3 के बीच में होगा तो t माइनस 2 जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने 2.5 पुट किया, 2.6 पुट किया, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ से आएगा माइनस t प्लस 3, तो इससे ये कैंसिल आउट होकर के आपके पास में 1 आ जाएगा और इक्वल टू में भी 1 है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके बीच के अंदर आपके सामने जो t जब 2 से 3 के बीच में है तब सारे सॉल्यूशंस है, और सारे सॉल्यूशन होने का क्या मतलब हुआ कि जब टी हमने किसको लिया था रूट ओवर एक्स माइनस 1, दैट विल बी लेस देन 3। ठीक है ना, इसमें जो भी x होगा वो सारे हमारे आंसर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा ही 1 के इक्वल होगा जब t आपका 2 से 3 के बीच में होगा। स्क्वायरिंग कर दिया 4 टाइम x माइनस 1 लेस देन 9, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 टाइम x इज बिलोंग टू 5 टू 10। x जब 5 से 10 के बीच में होगा, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये आपके सामने हमेशा कितना होगा, ठीक है, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। और अगर 5 से 10 के बीच में अगर कोई भी अगर हम x लेते हैं और हमेशा ये 10 आ रहा है, तो इस इंटरवल में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं आपके पास में, इनफाइनाइट।
तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, मोर देन टू सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या दिया गया है, मैथ्स का क्वेश्चन नंबर टू है। ठीक है ना, आप अपने पेपर में जो भी सीक्वेंस दी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग देख ले। सो मैथ्स का जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज ए सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाई इज ग्रेटर देन जीरो। मीन्स एम के किन मानों के लिए समीकरण निकाय ये तथा ये का एक हल है तथा प्रतिबंधों x ग्रेटर देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो को संतुष्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में आपको x और y दोनों पर इनइक्वालिटी दी हुई है, तो आपको x और y निकाल करके चेक करना है कि इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या आएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। देखते हैं, देखिए सो सबसे पहले अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें इक्वेशन को, 3x प्लस एम वाई माइनस एम इक्वल टू जीरो, और साथ में है आपके सामने 2x माइनस 5y इक्वल टू 20, इसमें भी इक्वल टू में रख लीजिए m को, इक्वल टू m। क्लियर है? तो इन दोनों इक्वेशन का आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकलेगी देखिए, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, और इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें 1 माइनस 2। जैसे इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए ये टर्म तो कट जाएगी आपकी, ठीक है ना, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपके सामने 2m और यहाँ पर आएगा आपके सामने 15, लेकिन क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2m क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 3 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 टाइम y और इक्वल टू में आ जाएगा आपके सामने 2m माइनस 60। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ गई 2m माइनस 60 डिवाइड बाय 2m प्लस 15, ये y है आपका। ऐसे ही आपको x भी चाहिए होगा क्योंकि आपकी कंडीशन दोनों पे लगी हुई है। तो x की अगर हम बात करें तो x इक्वल टू है आपके पास में 20 प्लस 5y डिवाइड बाय 2। इक्वेशन 2 से x को हम ये लिख सकते हैं, इसमें y की वैल्यू पुट कर दें तो देखो कितना आ रहा है, एक बार 2 को इधर ही रख लो, 20 प्लस 5 टाइम y है आपका 2m माइनस 60 डिवाइड बाई 2m प्लस 15, कितना आ रहा है देखो, 2m इंटू 20 हो जाएगा 40m प्लस 15 इंटू 20 हो जाएगा आपका 300 प्लस 10m और माइनस 6 इंटू 5 300 डिवाइड बाई 2m प्लस 15, ये आ रहा है हमारे सामने। अब अगर हम इसको देखें तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिलेशन के बाद में आपको मिलेगा 50m डिवाइड बाई 2m प्लस 15। चलिए तो ये आ गया आपके सामने x, अच्छा एक साथ में 2 भी है उसे डिवाइड कर दीजिए, और ये आ गया आपके सामने y। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, यहाँ से आंसर आएगा आपका माइनस 15 बाई 2 से लेकर के 30, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 चाहिए और x भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहाँ से तो आपका आंसर आ रहा है ये। अब इसी नंबर लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, दूसरे वाले x जब ग्रेटर देन 0 है उसको पुट करते हैं, तो उसमें है आपके पास में m इक्वल टू 0 और साथ में है माइनस 15 बाई 2, मीन्स एक पॉइंट आपके पास यही है, दूसरा पॉइंट ये है। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0 के इधर और इधर इसके इस साइड में, और दूसरे वाले केस में आपका आंसर कितना आ रहा था, 30 के इस साइड में और इसके आपके सामने इस साइड में। तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में आपका y भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए आपका दोनों लाइनें एक साथ कहाँ पे आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 15 बाई 2 और साथ में यूनियन 30 से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये आपका जो है वो सॉल्यूशन है x और y का। कुछ बच्चे जैसे सिर्फ इसको निकालेंगे, ठीक है, तो उससे आपके सामने ये आंसर आ जाएगा, आपका सही होगा, लेकिन कुछ बच्चे अगर x निकाल लेंगे तो x से जो आंसर आएगा वो आपका आंसर करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्लियर है?
क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन आपके साथ में एक साथ करेक्ट होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू का जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम टाइप के, तो थोड़ा सा ब्रैकेट का ध्यान रखें, दोनों सब जगह पर ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट वाला जो आंसर है आपके पास में वो कौन कौन से हैं? तो वो सिर्फ आपके पास में थर्ड ऑप्शन है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी ए एंड ए बी की पावर 10 इक्वल टू ए टू दी पावर के बी टू दी पावर 10, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ट्रिकी टाइप क्वेश्चन। क्लियर है? जब भी पावर निकालनी होती है ना तो हम क्या करते हैं, जैसे हमसे किसकी पावर पूछी है, ए बी की पावर 10, तो 10 तक निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से आंसर भी दिया हुआ ना 1000 के अराउंड आ रहा है। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको स्टार्टिंग की दो तीन वैल्यूज निकालनी है और फिर आपको देखना है कि वहाँ पर ट्रिक क्या लग रही है। ठीक है ना, उस ट्रिक का यूज करना है आपको। तो सबसे पहले जैसे देखिए आपको ए बी जो है, ठीक है, वो तो ए बी के इक्वल ही हो जाएगा। ए बी की पावर जो 1 है वो तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी के इक्वल। अब बात करते हैं कि ए बी की पावर 2 कितना होगा। तो देखिए ए बी की पावर 2 को लिख सकते हो आप ए बी इंटू ए बी। क्लियर है? और इसके अंदर जो बी ए बन रहा बीच में, इसको वापस रिप्लेस कर दो, तो इसको वापस रिप्लेस किससे करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ए स्क्वायर बी इंटू बी। क्लियर है? तो यहाँ से आपको इसकी क्या वैल्यू मिली, आपको वैल्यू मिली ए क्यूब बी। तो ये आ गया आपके पास में ए बी का स्क्वायर। अभी भी देखिए यहाँ से भी आपको उतना पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जैसे बी जो था आपके सामने, बी की पावर 1 आई थी, यहाँ पर बी की पावर 2 आ गई, तो ऐसे तो आपको लग रहा है कि b की पावर आगे 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में से b की पावर 10 ही दे रखा है आपको, b तो पता चल जाएगा बट a का आपको आइडिया नहीं लगेगा यहाँ से कि a की पावर क्या होगी। तो आप एक चीज और निकालें और दैट इज ab क्यूब। ab क्यूब को आप लिख सकते हो ab into ab into ab मींस ab का स्क्वायर into ab। ab का स्क्वायर कितना है आपके सामने, a क्यूब b स्क्वायर, और ab कितना है आपके सामने, ए बी आपको नहीं दे रखा है, तो जैसा है वैसा का वैसा लिख ले। क्लियर है? अब इसमें आपको बी ए बनाना है, तो इसमें जब बी ए बनाएंगे तो देखो कितना आएगा, ए क्यूब एक बी को अलग कर दो और यहाँ बन जाएगा बी ए और एक बी बन जाएगा आपके पास बाहर। यहाँ पर जो बी ए बना उसको रिप्लेस कर दिया ए स्क्वायर बी से, तो ये क्या बना, ए क्यूब बी, ये बना ए स्क्वायर बी और साथ में ये बन जाएगा बी। फिर से देखो ए क्यूब, इसमें से एक बी और एक ए को एक साथ कर दिया, बाकी जो एक ए बचा वो उसको अलग कर लिया और साथ में बी स्क्वायर को अलग कर दिया। फिर से वापस पुट किया, बी ए की जगह पर पुट कर दिया ए स्क्वायर बी, तो कितना आया देखो, तो यहाँ से बनेगा ए क्यूब ए स्क्वायर बी और साथ में है ए बी स्क्वायर, तो कितना आया देखो, ए की पावर 5 साथ में बी ए इंटू बी स्क्वायर। फिर से बी ए को रिप्लेस करो, तो देखो ए बी क्यूब किसके इक्वल आ रहा है, ए बी क्यूब इक्वल टू आ रहा है ए की पावर 5, बी ए को लिखा ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर, तो फाइनली आपको मिला ए की पावर 7 और बी क्यूब। अब देखिए यहाँ से आपको ट्रिक की पता चलनी चाहिए, ठीक है ना, इसके बाद भी नहीं पता चला, ठीक है, तो फिर तो आपको एक बार और कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में इतना टाइम लगा तो आगे वाले में तो और ज़्यादा लगने वाला है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को जब आप एक नहीं दो नहीं तीन चीज़ें निकाल ली है तो तीन के बाद आपको आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा। सो देखिए ए बी की पावर 1 में ए की पावर 1 आ रही थी, ए बी स्क्वायर में आपके सामने 3 आ रही थी और ए बी क्यूब के अंदर कितना आ रहा है, 7 आ रही है पावर। तो एक्चुअली है क्या ये चीज़, ठीक है, तो एक्चुअली ये है आपके पास में 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, जब आप n की वैल्यू 1 लेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 1, जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 3, और ऐसे जब आप n की वैल्यू 3 लेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 7। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो ab की पावर 10 है ना उसमें a की पावर कितनी होगी, 2n-1 इंटू बी की पावर 10। n कितना है आपको, 10 है यहाँ पे पुट करना है, तो 2 की पावर n माइनस 1 में जब 10 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 10-1 दैट इज 2 की पावर 1023। और यही आपको वहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ वहाँ पर आपको k दे रखा है, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1023।
क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और दैट इज 1023। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको पूछा गया कि फाइंड द नगेशन ऑफ दिस विल बी इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इसका नगेशन किसके इक्विवेलेंट है। देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपके सामने 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका वेन डायग्राम, ठीक है। लेकिन वेन डायग्राम के लिए आपको वही है कि सबका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा होता है आपके सामने ट्रुथ टेबल, आप ट्रुथ टेबल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और तीसरा होता है आप ऑपरेशन अप्लाई कर करके कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको नगेशन पूछा गया है और उसी टाइप के वापस ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो हमारे उसके रूल्स होते हैं उन रूल्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो ये है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दिया गया है कि फाइंड द नगेशन ऑफ दिस। तो इसका नगेशन फाइंड आउट करना है, किसका नगेशन ऑफ क्यू और नगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो देखिए कितना आएगा। देखिए जब आप नगेशन को अंदर लेके आते हो तो यहां पर नगेशन पहले से प्रेजेंट है, तो इसका नगेशन हट जाएगा और ये हो जाएगा क्यू। क्लियर है? ये और का साइन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एंड में, और इसके पहले एक बार नगेशन का साइन लगा दीजिए, इसको आगे बाद में देखेंगे, नगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो हमने पहले जो बाहर जो नगेशन जो क्वेश्चन में लैंग्वेज की फॉर्मेट में जो लिखा गया था उसको हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। अब देखिए ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। इसके अंदर फिर अप्लाई करते हैं, इस नगेशन को जो फिर से अंदर लेके आएंगे तो इसका नगेशन हट जाएगा, ये बन जाएगा पी, और ये जो एंड का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा और में, और यहाँ साइन नहीं था तो ये इसके साथ में साइन लग जाएगा, दैट इज नगेशन ऑफ क्यू। अब हमने बाहर से तो नगेशन हटा दिया है, लेकिन ऐसा हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। देखिए पहले ऑप्शन आपको इस टाइप का लगेगा, लेकिन उसके अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर और का साइन दे रखा है, तो ऐसा नहीं है। और लास्ट में यहाँ एंड है लेकिन यहाँ पर भी एंड है, तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब पहला और तीसरा तो साफ साफ दिखाई दे गया गलत है। अब आपका आंसर सेकंड और फोर्थ में से होगा। तो अगर आप इसको इसके आगे नहीं सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो इसका तरीका यही रहेगा कि आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं और अपने जो दोनों ऑप्शन है उनकी ट्रुथ टेबल बनाएं या वेन डायग्राम बनाएं, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट फिलहाल देखिए यहाँ पर ऑपरेशन कैसे लगते हैं, मैं उसी से सॉल्व कर रहा हूँ, क्यू एंड पी, ठीक है ना, एज इट इज क्यू और जो यहाँ पर साइन है वो लगा करके पी, फिर ब्रैकेट बना दीजिए, फिर यहाँ पर बीच में जो साइन है वो साइन लगाइए और फिर वापस क्यू को लिखिए, और फिर यहाँ पर इसके पास क्यू के जो पास में साइन है वही, और फिर आगे जो साइन है नगेशन ऑफ क्यू उसको लिख दीजिए। अब देखिए ये तो हो गया आपके पास में क्यू एंड पी और क्यू एंड नगेशन ऑफ क्यू, ठीक है ना, क्यू का और उसके नगेशन का जब आप एंड लेंगे तो मिलता है आपको हमेशा नल, ठीक है ना, फाई मिलता है, ठीक है, या ये कहें कि इसके अंदर हम क्या बोलते हैं उसको, आपको एम्प्टी सेट मिलता है। तो इसका जब इसके साथ में और लेंगे तो आपको मिलेगा पी एंड क्यू या क्यू एंड पी, दोनों बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये बन जाएगा आपके पास, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसके बाद में ये तीनों ऑपरेशंस कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं सबको पता होगा, जैसे आप इसको एज ए सेट मानते हुए वेन डायग्राम बनाएं, तो दो सेट ले लीजिए पी और क्यू, पहले अंदर वाले पार्ट को इसको रिप्रेजेंट कीजिए पी और नगेशन ऑफ क्यू। तो पी के साथ में क्या करना है आपको, और लेना है, तो पी तो आएगा ही और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा आपके सामने नगेशन ऑफ क्यू, और नगेशन ऑफ क्यू में क्या आ जाएगा, क्यू को छोड़ करके बाकी सारा पूरा मिस ये बाहर वाला पार्ट भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी और नगेशन ऑफ क्यू। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी का क्यू के साथ में क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो क्यू वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, तो क्यू वाला पार्ट है आपके पास में ये वाला, ठीक है ना, क्यू है आपके सामने ये वाला, ये क्यू है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ठीक है ना, जो पहले हमने रेड कलर से बनाया था और जो ब्लू कलर में बनाया है, उन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, उन दोनों में कॉमन पार्ट है आपके सामने ये वाला,
सिर्फ यही पार्ट कॉमन आ रहा है जिसमें रेड भी आ रहा है ब्लू भी आ रहा है, क्लियर है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पी एंड क्यू को। और ऐसा ऑप्शन आपके सामने कौन सा है, ऑप्शन नंबर टू। तो ऐसे वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, इनको आप एज ए सेट मानते हुए, ठीक है, और जो ये ऑपरेशंस होते हैं एंड और इनको यूनियन और इंटरसेक्शन मानते हुए, और को क्या मानना है यूनियन और एंड को मानना है इंटरसेक्शन, इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया गया है, देखिए आपको, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आपको बताना है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे। आपको यहाँ पर दिया गया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में मॉड भी आया हुआ है, रूट भी आया हुआ है। तो हर टर्म को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव को अगर आप देखें तो सबसे पहले एक एक कंडीशन को लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है आपकी वो क्या है, वो है 4 माइनस मॉड एक्स, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ये पहली कंडीशन है, क्लियर है। आगे चलते हैं, इसी के साथ में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बेस में दिया हुआ है तो ये जीरो से बड़ा होना चाहिए और इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये आपके सामने हो गई दूसरी कंडीशन। इसके बाद में तीसरी कंडीशन, लॉग के अंदर आपको दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो आउटपुट होता है ना वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, क्लियर है। तो बस आपको ये देखना है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, और 0 नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि रूट ओवर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना वो आपके पास में इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर ये इंटीजर हो जाएगा तब आपके पास में क्या हो जाएगा, तब ये आपको जीरो दे देगा और जीरो आपको लॉग में नहीं चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर जो नंबर होता है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। और लास्ट के अंदर आपके सामने एक्स के ऊपर कंडीशन लगी हुई है, फोर्थ वन, ठीक है। तो वो कंडीशन आपके सामने क्या लगेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि रूट के अंदर जो नंबर होता है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इन चारों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। इसका आंसर होगा 0 से ∞। इसका मतलब ये हो गया कि हमें कोई भी, अच्छा 0 हो सकता है तो इस पर क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि रूट के अंदर आपके सामने 0 हो सकता है, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 से ∞। मीन्स इधर से अगर कोई भी नेगेटिव सॉल्यूशन आता है तो वो तो आपको नहीं लेना है, आपका यहीं से फिक्स हो गया कि आपका आंसर 0 से ∞ होगा। इससे आपको पता चलेगा कि x आपका इंटीजर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि आपका x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। मीन्स कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर आपके सामने आपके आंसर में नहीं होना चाहिए, ये आपके सामने इस कंडीशन से आ जाएगा। इस वाली कंडीशन की अगर बात करें तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है और वो 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स 0 से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो ही नहीं सकता, तो वो सीधा कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि ये 1 भी नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं होना चाहिए तो फिर वो 1 से सीधा कहाँ चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों कंडीशन को आप ऑल ओवर ऐसे कह सकते हो कि ये 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर 2 या 2 से बड़ा कब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब एक्स स्क्वायर आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 से लेकर के इन्फिनिटी। जब आप एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच का अगर कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये 2 मिलेगा। इसके बाद में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी कब होती है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपके पास में मॉड लगेगा और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा या एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू और यूनियन रूट टू से इन्फिनिटी। तो ये आपके सामने बेस के अंदर कंडीशन हो जाएगी कि एक्स आपका इस इंटरवल में होना चाहिए। लेकिन हमने ये पहले ही बात कर ली थी कि नेगेटिव आंसर तो होगा ही नहीं, तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा। अब जो आपका कॉमन सॉल्यूशन आएगा अभी तक वो इसमें से और इसमें से आएगा, ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सबसे पहले बात की थी कि x पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर बात करें मॉड x माइनस 4 विल बी लेस देन 0, तो मॉड x विल बी लेस देन 4, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा माइनस 4 से 4 के बीच।
तो माइनस फोर से लेके फोर के बीच में, नेगेटिव आंसर वहां से भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे सामने रही पॉजिटिव आंसर, तो ये तो कह रहा है कि आंसर जीरो से फोर होना चाहिए, ये कह रहा है कि आंसर आपका रूट टू से इन्फिनिटी होना चाहिए, और ये कह रहा है कि आपका आंसर जीरो से इन्फिनिटी होना चाहिए, और ये कह रहा है कि 0149 नहीं चाहिए। तो इन सब के अंदर जो कॉमन इंटीजर्स है सिर्फ आपको वो बताने हैं वो कौन कौन से होंगे। तो देखिए ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये रूट टू से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो से, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें रूट टू से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें तीनों की बात माननी है। अगर इसकी बात मान लेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा कि मैं तो रूट टू से बड़ा हूँ तो आप जीरो से बड़ा कैसे ले रहे हो, ठीक है। तो तीनों की बात माननी है, तो यहाँ से रूट टू से स्टार्ट करेंगे। ये फोर पे खत्म हो रहा है, ये इन्फिनिटी पे, तो हम फोर से पहले क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, क्लियर है। अब इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, इसके बीच में इंटीजर आएगा एक तो टू आएगा और एक आएगा थ्री, तो दो इंटीजर्स आएंगे टू और थ्री। अब ये टू और थ्री एक बार इन भाई साहब की भी सुन लो कि यहाँ तो नहीं आ रहे हैं, तो इसमें नहीं आएगा, इसमें तो वन के बाद सीधा फोर आएगा, दैट मीन्स जो टू और थ्री है ये आपके सामने दोनों के दोनों आपके सॉल्यूशंस है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इसके नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसकी डोमेन में टोटल कितने इंटीजर्स होंगे, तो इसके अंदर आंसर आएगा टू, मीन्स जो आपका ऑप्शन थ्री है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। डोमेन के लिए आपके सामने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें जो डोमेन के अंदर हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी यहाँ पर क्या आ रही है, आपके सामने आ रही है, क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको क्या दिया गया है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स वन एंड एक्स टू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू फोर, मीन्स ए क्वाड्रेटिक के रूट्स एक्स वन और एक्स टू है और उनका प्रोडक्ट फोर दिया गया है, और जो आपके सामने एक रिलेशन दिया गया है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रोडक्ट आपको दे रखा है और जो कंडीशन दे रखी है उससे आप सम निकाल लीजिए, जब आप वहाँ से सम निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका क्वाड्रेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। पहले ऑप्शन में अगर देखें तो प्रोडक्ट फोर तो चारों में ही दे रखा है, ठीक है, तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, आपको सम ही निकालना है, मेन वही है, ठीक है। तो सम निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है, टू आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, फोर आ रहा है या माइनस फोर आ रहा है, क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको दिया गया है, जो कंडीशन दी गई है x1 डिवाइड बाई x1 माइनस वन प्लस x2 डिवाइड बाई x2 माइनस वन विल बी इक्वल टू टू। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आएगा, देखिए x1 x2 माइनस x2, यहाँ पर आएगा x1 x2 माइनस x2, यहाँ पर x1 आएगा, क्लियर है। डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस x1 माइनस x2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू टू, क्लियर है। x1 x2 की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4 माइनस x1 प्लस 4 माइनस x2 डिवाइड बाई ये 4 माइनस x1 माइनस x2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू टू। देखते कितना आएगा, x1 प्लस x2 को t मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, x1 प्लस x2 को t मान लीजिए ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आपको देखने में इजी लगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा भी कर सकते थे। ये बन जाएगा 8 माइनस t डिवाइड बाई 5 माइनस t विल बी इक्वल टू 2, तो यहाँ से मिलेगा आपको 8 माइनस t इक्वल टू 10 माइनस 2t। इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ से t विल बी इक्वल टू आ जाएगा 2, और t हमने किसको माना था, x1 प्लस x2 को, मीन्स जो आपका सम ऑफ रूट है वो 2 आएगा, और सम ऑफ रूट आपके सामने 2 कौन सी इक्वेशन में है, सिर्फ पहले वाला जो समीकरण है उसमें सम ऑफ रूट्स 2 आएगा, ठीक है, मूलों का योग जो है वो 2 सिर्फ पहले समीकरण में है, तो आपका आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर टी सो दैट द लाइन दिस इज द नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1 मे लाई इन द इंटरवल, ठीक है, आपको जो लाइन दी गई है ये अगर इस कर्व की नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको बताना है कि टी का मान क्या होगा, ठीक है, टी की वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर अगर आपको कभी भी पूछी जाए, ठीक है, कोई इक्वेशन दे करके उसके अंदर कोई पैरामीटर दे करके, तो उसको करने का तरीका आपके सामने क्या रहता है,
उसका तरीका रहता है आपको उसकी स्लोप से, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास में टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की जो स्लोप होती है ना, उसका साइन हमेशा फिक्स रहता है, क्लियर है? और वो कैसे पता चलता है? उसको करने का तरीका होता है एक्स वाई इक्वल टू वन, सो वाई इक्वल टू वन बाई एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करें, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स चाहे कुछ भी लेंगे, ये नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा, और ये नंबर नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास में टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और टेंजेंट की स्लोप अगर हमेशा नेगेटिव है तो नॉर्मल की जो स्लोप हो जाएगी वो हमेशा कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। एम डैश कैसा हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, माइनस वन होता है। और यहाँ पर आपके पास में जो दिया गया है कि ये एक इसके नॉर्मल का इक्वेशन है, तो अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूँ तो वो आएगा फोर माइनस टी के बाहर माइनस साइन डिवाइड बाई टी, और ये कैसा होना चाहिए? ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल की स्लोप है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, टी माइनस फोर डिवाइड बाई टी विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा कि ये जीरो से फोर के बीच में कब होगा? तो जीरो से फोर के बीच में होगा, या तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो होगा टी, और या फिर आपका फोर से इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर टू। तो ये हमने पहले सात क्वेश्चन जो थे, ठीक है ना, फर्स्ट पेज पे, ठीक है, वो सात के सात क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर एट फ्रॉम मैथमेटिक्स। और इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगती है लैंग्वेज के अंदर, तो आप दोनों साइड में अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। दोनों साइड में सेम क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। सो फिलहाल मैं इंग्लिश वाला रीड कर रहा हूँ। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर विच सबटेंड एन एंगल पाई पाई फोर एट एनी पॉइंट ऑन सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू। चलिए बात करते हैं, पहले उसका लोकस निकालते हैं, वो अपने आप आ जाएगा। जो क्वेश्चन में बोला गया आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उससे कन्फ्यूज मत होइए, आप बस उसका लोकस निकालिए जिस पॉइंट के लोकस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। देखिए कौन से पॉइंट का लोकस चाहिए आपको? आपको लोकस चाहिए द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है ना, रेडियस आर है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, चलिए रेडियस अभी मत लिखिए, इसके अंदर कोई एक कॉर्ड बना लीजिए जो इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? पाई पाई फोर। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है आपको एच कॉमा के, क्लियर है, ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर विच सबटेंड एन एंगल पाई पाई फोर, और ये एंगल कितना है? पाई पाई फोर, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू। तो देखिए वैसे तो आपको इसके सेंटर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन आपको ये कहा गया कि इसका जो सेंटर होगा वही आपके दूसरे सर्कल का सेंटर होगा। तो चाहो तो आप इसको जी कोमा के ले सकते हो, चाहो तो इसको आप जीरो कोमा जीरो ले सकते हो, उससे आपके सामने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये एंगल पाई पाई फोर है तो इसके मिड पॉइंट को अगर इससे ज्वाइन करोगे तो इस ये एंगल अगर 45 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री का होगा टोटल, तो ये आधा एंगल फिर से वापस कितना होगा? पाई पाई फोर का ही होगा, क्लियर है। इसका सेंटर आप चाहो तो जीरो कोमा जीरो ले लो, चाहो तो किसी को लगे कि जीरो कोमा जीरो क्यों लेंगे, तो हम अल्फा कोमा बीटा ले लेते हैं, ठीक है, कोई कुछ भी इसका सेंटर हो सकता है, क्लियर है। और ये एंगल 90 डिग्री है और ये इसकी रेडियस आर आपको दी गई है, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए इस त्रिभुज के अंदर, इस ट्राइंगल ए बी ओ के अंदर, ठीक है, आपके इसको दो चीज़ें पता होगी, एक तो ओ बी और एक ओ ए, और ये किसके इक्वल होगा? तो ओ बी होगा आपके सामने यहाँ पर बेस, और ओ ए होगा आपके सामने हाइपोटेनियस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस 45 डिग्री। ओ बी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस अल्फा एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओ ए है आपके पास में रेडियस, और कॉस 45 होता है 1 बाई रूट टू, और इसका भी रूट, क्योंकि डिस्टेंस है,
स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आपको, और एक्स और वाई को, एक्स और एच को एक्स और वाई के को वाई से रिप्लेस कर दीजिए, सो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर बाई टू। तो देखिए जैसे मैंने कहा था, अगर आप 0,0 लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टू आ जाता, लेकिन दोनों का सेंटर क्या आएगा, सेम। तो जो क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रिक वगैरह दिया है ना, मैंने कहा था उससे कंफ्यूज मत होइए, बस आपको जो जिस पॉइंट के लोकस की बात चल रही है उस पॉइंट का लोकस निकाल लीजिए तो वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको ये बोला गया है कि इस सर्कल की रेडियस अगर आर है तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो सर्कल की इक्वेशन अगर ये है तो आप इसकी रेडियस बता सकते हो कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी आपकी रूट आर बाई टू। ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम मैथ्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको क्या दिया गया है, द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हैज इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5 एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2, -1। ये हाइपरबोला जिसकी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दी हुई आपको 5 और साथ में ये दिया गया कि ये 2, -1 से पास कर रहा है, तो इसकी लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम क्या होगी वो आपको निकालना है। तो देखिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम के लिए आपको ए और बी चाहिए, और ए और बी के लिए आपको ये दो कंडीशंस दी गई है, इन दोनों कंडीशंस का यूज करते हुए आप ए और बी की वैल्यू निकालिए, आपको लैटिस रेक्टम की लेंथ ऑटोमेटिकली दिख जाएगी कितनी होगी। ठीक है, ए और बी निकालने के लिए करेंगे क्या, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो कंडीशन से अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि आपको हाइपरबोला का इक्वेशन ये दे रखा है जिसमें वाई नेगेटिव है तो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा 2b, जो आपको 5 दिया गया है तो b की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ये क्या है, b अगर 5/2 है तो अब a निकालने के लिए आपको ये बोला गया कि हाइपरबोला 2, -1 से पास कर रहा है तो उसको 2, -1 से पास करवा दीजिए, 1/b² will be equal to 1, x की जगह 2 और y की जगह -1 पुट कर दीजिए, इसमें b को 5/2 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा 4/a² equal to 1, +1/b², तो b हो जाएगा 25/4, तो यहाँ से आपको 4/a² की वैल्यू मिल जाएगी 29/25, सो a equal to आ जाएगा 25 × 4 100/29 का रूट, That is 10/√29। ये a आ गया, b पहले से प्रेजेंट था, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होती है, 2b² / a, LLR, ठीक है ना, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2 × b² है 25/4 × a है 10/√29, कितना आएगा, 25 × 250/40 √29, ये कट जाएगा, सो 5/4 × √29, ऐसा जो भी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, और ऐसा है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, 5/4 × √29। अगर आप कॉन्सेप्ट एकदम सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर एक ही बार में बिल्कुल एकदम सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 card इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 ordinary packs। देखिए दो पैक में से आपको एक एक कार्ड निकालना है, और कंडीशन क्या दी गई है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस ऑफ हार्ट। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आता है एटलीस्ट वन वाला, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे पीएनसी हो या प्रोबेबिलिटी, उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि टोटल में से वो केस सबट्रैक्ट कर दीजिए जब आपके पास में एक भी नहीं होगा, क्लियर है ना, टोटल माइनस नो हार्ट ऑफ एस, ठीक है, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है आपके सामने उसमें से क्या कर दीजिए, वो सेपरेट कर दीजिए जब आपके पास में कोई भी नो हार्ट एस, ठीक है ना, आपके पास में हार्ट का कोई भी एस नहीं है, ठीक है ना, वो सेपरेट कर दीजिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 − 52 × 52, ठीक है ना, दोनों में 52 कार्ड है। पहले के अंदर अगर आपके पास में हार्ट का एस नहीं है, ऐसे कितने केस होंगे, तो ऐसे होंगे 51 केस, क्योंकि हार्ट का एस तो सिर्फ एक ही होगा, बस वो नहीं लेना है, उसके अलावा और कुछ भी ले सकते हो। ऐसे ही दूसरे वाले में भी 51 होंगे, क्योंकि दो अलग अलग पैक थे, दोनों में से हमें एक एक कार्ड निकालना था, एक साथ नहीं निकालना था, 1/1, तो इसकी प्रॉबिलिटी 51/52, इसकी भी प्रॉबिलिटी 51/52, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है,
तो यहां से आएगा 52 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर डिवाइड बाई 52 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 103 डिवाइड बाई 2704। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी पीएनसी का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही इजीली सॉल्व होता है, आपको कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं करनी होती है, बस आपके दिमाग को आपको थोड़ा सा अच्छे से खोल के रखना होता है, तो आपका क्वेश्चन इतना इजीली शायद विद इन 10 to 15 seconds आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से आते होंगे तो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा इंटीग्रेशन से, और क्या दिया गया है देखिए, देखिए रूट वगैरह दे रखा है, लेकिन दोनों के अंदर आपके सामने सेम टाइप की टर्म दे रखी है, तो एलसीएम ले सबसे पहले और देखें क्या आएगा। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आएगा मेरे सामने कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना, रूट ओवर एक्स कोस एक्स एलसीएम आएगा, और जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आएगा इनटू डीएक्स। अब देखिए जो एक्स कोस एक्स है उसको टी स्क्वायर मान लीजिए, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इनटू कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इनटू डीएक्स विल बी इक्वल टू 2t dt। तो बस ये देखिए आपका न्यूमरेटर में दे रखा है, ये डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, ऊपर 2t dt और नीचे रूट ओवर टी स्क्वायर दैट इज टी, टी से टी कट जाएगा, सो 2 times dt। डीटी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस पुट कर दें तो एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ध्यान रखें रूट आएगा क्योंकि ये टी स्क्वायर लिया था हमने, सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा आंसर आपको कहाँ दिया गया है, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ऑप्शन नंबर 3। सो 11 का ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं एफ जी और एच, वहां पर आपको दो वैल्यूज दी गई है, एक जी डैश ऑफ 2 और एक एच डैश ऑफ 2, और आपसे बोला गया है कि एच ऑफ 2 कितना होगा। तो देखिए एच वाला जो फंक्शन है ना वो एफ वाले फंक्शन के अंदर है, तो सबसे पहले आप वही काम कीजिए, एफ वाला जो फंक्शन है उसके अंदर एच को पुट कीजिए, ताकि हम थोड़ा सा उसके पास में जा सकें जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। क्लियर है, तो जहाँ पर एफ एक्स है आपके सामने उसके अंदर एक्स को आप क्या कर दो, एच एक्स से रिप्लेस कर दो, और देखो देखिए कितना आ रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि ऑफ एक्स की जगह पर अगर मैं एच एक्स पुट कर दूं, तो एक्स की जगह पर मैंने एच एक्स पुट किया है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर एच एक्स हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं होगा इनटू डीटी। अब देखिए एफ ऑफ एच एक्स आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको जी एक्स, तो इसको जी एक्स से रिप्लेस कर दो और इसको एज इट इज रहने दो, एच एक्स इंटू ई टू दी पावर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डीटी। अब देखिए क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन वाली टर्म दे रखी है और वैसे भी इंटीग्रेशन यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें लेमनीज लगाएंगे, तो हमें मिलेगा जी डेस एक्स विल बी इक्वल टू, कैसे लगाते हैं लेमनीज, इसको इसके अंदर पहले पुट करते हैं, तो ये बनेगा ई टाइम 1 प्लस एच ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, पुट कर दिया हमने, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज एच डेस एक्स माइनस, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता जाता है, जीरो। इसके अंदर देखिए आपको क्या पर वैल्यू दे रखी है, टू पर वैल्यू दे रखी है, तो टू पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा जी डेस ऑफ टू विल बी इक्वल टू ई टाइम 1 प्लस एच ऑफ 2 का होल स्क्वायर इंटू एच डेस ऑफ 2। जी डेस ऑफ 2 एच डेस ऑफ 2 दे रखा है और एच ऑफ 2 आपसे पूछा गया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जी डेस ऑफ 2 है आपका e की पावर 4 e टू दी पावर 1 प्लस एच ऑफ 2 का होल स्क्वायर और एच डेस ऑफ 2 की वैल्यू है 1। इसमें दोनों साइड लॉग ले लें, तो लॉग लेने से ये बन जाएगा 4, e हट जाएगा, या ये कहें कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो 4 इक्वल टू 1 प्लस एच ऑफ 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे फर्दर और सॉल्व किया तो आपको मिलेगा एच ऑफ 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 दैट इज प्लस माइनस 2।
तो एच ऑफ टू की दो वैल्यू जाएगी, एक टू माइनस वन और एक आएगा माइनस टू माइनस वन, तो एक वैल्यू आएगी वन और एक आएगी माइनस थ्री। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एच ऑफ टू, तो एच ऑफ टू की जो दोनों वैल्यूज है उनके सम का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, सो दैट इज टू। और टू आपके सामने कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन, सो 12 का आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको दिया है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस, दो कर्व दिए गए हैं दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है आपको, तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू वन है और दूसरा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू वन। तो एक तो स्ट्रेट लाइन है उसके ग्राफ में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाला जो ग्राफ है वैसे तो एरिया पूछा आपको, प्रॉब्लम तो दोनों में से किसी में नहीं आएगी क्योंकि अगर बाई चांस आंसर रिवर्स में आ जाता है तो आपको उसका मॉडुलस ले लेना है, तो किसी में से किसी को भी सबट्रैक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको एग्जैक्टली देखना है कि कौन सा ग्राफ ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, ठीक है, तो इसका तरीका क्या रहेगा, रूट वाई इक्वल टू वन माइनस रूट एक्स है और एक है वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स है, क्लियर है। तो आप क्या कीजिए इन दोनों के अंदर वैल्यूज पुट कर लीजिए, जैसे x इक्वल टू वन बाई टू पुट किया, ठीक है, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू वन माइनस वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू जो होता है ना वो होता है 0.7, तो यहाँ से मिलेगा आपको 0.3 और ये तो है रूट y, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 0.09, क्लियर है। ऐसे इसमें 1/2 पुट करेंगे तो आएगा वाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप इनके ग्राफ्स की बात करेंगे तो एक तो है आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू वन और दूसरा है आपके सामने रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू वन, तो इस तरीके से दोनों का बाउंडेड एरिया आएगा, ठीक है। अच्छा ग्राफ्स इसके और भी बनेंगे, ठीक है ना, ऐसे इधर भी बनेगा, नहीं इधर तो नहीं बनेगा क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, तो यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ये 1,0 है, ये 0,1 है, तो आप राइट माइनस लेफ्ट लगा सकते हो या अपर माइनस लोअर लगा सकते हो, कोई सा भी लगा दीजिए, दोनों ही केस में सेम कैलकुलेशन आएगी। तो मैं अपर माइनस लोअर लगा रहा हूँ 0 से 1 में, सो 0 से 1 अपर कर्व है आपका एक स्ट्रेट लाइन वाला, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स, और लोअर कर्व है आपके पास में ये वाला, तो यहाँ से वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। पहले इस होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए और उसके बाद में इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। देखते कितना आ रहा है, देखिए 1 माइनस एक्स यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए क्या कट रहा है, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 2 रूट एक्स माइनस 2 एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1, तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, सो 1 ही पुट करना है आपको, सो 2 × 2/3 − 1/2 कितना आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो वापस चाहो तो, और चाहो तो सॉल्व कर लो, सो 4/3 − 1 दैट इज 1/3, और 1/3 आपके सामने कोई ऑप्शन है, सो बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है 1/3, और यही आपका आंसर है 13 का आंसर नंबर 1। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, दो कंडीशंस दी हुई है आपको, रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 दे रखा है, और आपसे बोला गया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो देखिए इस तरीके से जब भी क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और दो दो तीन तीन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर्स डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर आपको सब कुछ निकाल करके वापस सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, आप तो बस जो चीज़ें आपको दी गई है ना उनको सॉल्व कर दो और देखो देखे कितना आ रहा है। तो अगर मैं Z1 माइनस Z2 के सबसे पहले आर्ग्यूमेंट की बात करूं, तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू होगा X1 माइनस X2
प्लस आयोटा वाई वन माइनस टू आई टू। तो यहां से जो टेन थीटा होगा वो होगा वाई वन माइनस टू आई टू डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू, जो यहां पर दे रखा है आपको 60 डिग्री, दैट मीन्स रूट थ्री। तो ये आपके सामने है कंडीशन नंबर वन। ऐसे ही अगर आप दोनों मॉडल्स वाले पार्ट्स को अगर सोल्व करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ जेड वन का मीनिंग हो गया एक्स वन, और इधर आ जाएगा आपके सामने एक्स वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो एक्चुअली ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो आपको मिलेगा देखिए वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन प्लस फोर, और एक्स वन आपका कट जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ये आपके पास में पहले पार्ट का आंसर है। पहले और दूसरे में क्या फर्क है, जेड वन की जगह जेड टू आ रहा है, तो दूसरे के अंदर क्या आ जाएगा, वाई टू आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इसमें से इसको सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि हमें देखिए वाई वन माइनस वाई टू और एक्स वन माइनस एक्स टू में रिलेशन निकालना है, तो वो तब आएगा जब इसमें से इसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ इसके फैक्टराइजेशन कर दिए, वाई वन माइनस वाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू माइनस फोर टाइम एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये कट जाएगा इक्वल टू जीरो। इक्वेशन वन में टू में से थ्री को मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया, टू माइनस थ्री, ठीक, और इस पहली टर्म के फैक्टराइजेशन कर दिए, ठीक है ना, इक्वेशन टू माइनस थ्री। अब देखिए क्योंकि मेरे को y1 माइनस वाई टू दे रखा है कितना, x1 माइनस एक्स टू, तो चाहो तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या चाहो तो इसको x1 माइनस एक्स टू से रिप्लेस कर डिवाइड कर दीजिए। तो y1 माइनस वाई टू डिवाइड बाई x1 माइनस एक्स टू कितना हो जाएगा, रूट थ्री। यहाँ पर आएगा y1 प्लस वाई टू, और यहाँ पर आएगा माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y1 प्लस वाई टू विल बी इक्वल टू फोर बाई रूट थ्री, और y1 प्लस वाई टू ही क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है ना, जिसका आंसर कितना आ जाएगा, फोर बाई रूट थ्री। ऐसा आपको ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर टू, और वही आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक मैथ्स के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 मैथ्स के अंदर क्या दिया गया है और उसका आंसर क्या होगा। देखिए बात करते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको दिया गया है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टेट से है ये क्वेश्चन, ठीक है, स्टेट के अंदर फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उनको याद कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना आप क्वेश्चन के अंदर बहुत जगह पर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो आपको हर फॉर्मूला पता होना चाहिए। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, देन व्हेन रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज ओमिटेड देन द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। तो इसमें पहले हमने मीन और डेविएशन निकाल तो लिया, लेकिन हमने देखा कि एक ऑब्जर्वेशन हमने गलत ले लिया, तो अगर हम उस गलत ऑब्जर्वेशन को उसमें से डिलीट मार दें तो जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको, क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, तो आपको इन दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता तो फिर आप क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैंने कहा, आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। तो देखिए कैसे करते हैं, मीन का फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ते हैं, वो उसमें तो सभी को याद होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मीन विल बी इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। यहाँ पर मीन दे रखा है आपको 10, समीशन ऑफ एक्स आई और टोटल ऑब्जर्वेशन है 20, तो समीशन ऑफ एक्स आई कितना हो जाएगा 200। ये आपके सारे ऑब्जर्वेशंस का सम है। अब इसमें से एक ऑब्जर्वेशन 8 हमने गलत पढ़ लिया था, 8 पढ़ लिया था, तो उसको डिलीट मार देते हैं। तो एक को जब डिलीट मार दोगे एक्स वन माइनस 8 हो जाएगा आपके सामने, दैट इज 19 ऑब्जर्वेशंस, और इनका सम आ जाएगा 192। तो ये जो नए 19 ऑब्जर्वेशंस है, अगर आपको इनका मीन चाहिए, इसको नया मीन दे दिया हमने नाम वाई बार, तो ये हो जाएगा 192 डिवाइड बाई 19, क्लियर है। ये हो गया आपके सामने इक्वेशन नंबर वन। ऐसे ही आपको मीन का फॉर्मूला पता होना, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है रूट ओवर, कितना होता है रूट के अंदर, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्लियर है। देखिए बात करते हैं, हमें क्या करना है,
सबसे पहले तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें इस ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें ये भी चाहिए नए जो 19 ऑब्जर्वेशन है उनमें कितना आएगा। तो इसके लिए सिग्मा आपको 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4, स्क्वायर कर दिया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई 20 और समीशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर दैट इज 100। ठीक है, कितना आएगा देखिए, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4 104, एक सेकेंड, एक्स मीन 10 दे रखा है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दे रखा है। हाँ ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, तो ये उधर चला जाएगा, और या चाहो तो पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने 80 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2000। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2000 माइनस प्लस 80, सो 2080। क्लियर है? अब इसमें से हमें अगेन एक ऑब्जर्वेशन को डिलीट मारना है, तो उसको डिलीट मारना किसको है, 8 को, तो 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो वो आ जाएगा 2080 माइनस 64 दैट इज 2016, 2016। चलिए बात करते हैं आगे, ये आपके पास में नया सिग्मा आ गया, किसका, सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप नया सिग्मा निकाल सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 19 माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। दोनों चीज़ें निकाल चुके हैं, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, 2016 डिवाइड बाई 19 माइनस वाई बार कितना आया था, 192 डिवाइड बाई 19 का स्क्वायर। देखिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सॉल्व कीजिए, 1/19 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आपके सामने 19 का स्क्वायर है, यहाँ पर 19 है, तो ये होगा 2016 इंटू 19 माइनस 192 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, और या चाहो तो इसमें से वैसे कॉमन ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि 192 होता है 14 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और ऊपर भी जैसे आपको दे रखा है 12 और रूट 10। ठीक है, तो सॉरी 14 का स्क्वायर नहीं होगा, 192 के मतलब फैक्टर करके जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर ऊपर आएगा 12/19 और अंदर बच जाएगा आपके पास में √10। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आपका नया सिग्मा हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता स्टेट वाले को, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और फिर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी होगी, तो जैसे ही कैलकुलेशंस करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको क्या दिया गया है कि एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक फंक्शन है। द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव सॉल्यूशन। आपको एक इक्वेशन दी गई है, उसका एक पॉजिटिव सॉल्यूशन है और दूसरा नेगेटिव सॉल्यूशन है। देन वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपका एनालिसिस बड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको काम इसमें कम करना है, दिमाग ज़्यादा लगाना है, और दिमाग ज़्यादा कैसे लगेगा, जब आपने काफ़ी सारी मेहनत की हुई होगी। ठीक है ना, 2 साल के अंदर आपने कितनी मेहनत की है उसी के ऊपर आपका दिमाग लगेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखें एक्स क्यूब में से देखिए x कॉमन आ रहा है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखिए आपको क्यूबिक तो बढ़िया सिंपल दिया है, जिसके फैक्टर बहुत ईजीली निकल आए हैं, ये आ जाएंगे, और अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे 0, 1 और 2। और क्योंकि क्यूबिक का जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ नीचे से शुरू होगा, यहाँ पर होते हुए वापस ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा। अब देखिए एक तो ये फंक्शन है हमारे पास में, और एक फंक्शन है वाई इक्वल टू के। अब वाई इक्वल टू के अंदर क्योंकि के तो आपको दिया हुआ है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा दिया गया है कि इसका और इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है एग्जैक्टली, और उसमें से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर इस पॉइंट से नीचे अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक ही सॉल्यूशन आएगा और वो नेगेटिव आएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको टच करती हुई एक लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ जो इस बिंदु पर इसको टच कर रही है, तो एक सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, एक सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। ये सॉल्यूशन 0 से छोटा होगा मीन्स नेगेटिव होगा, और ये सॉल्यूशन 0 से बड़ा होगा मीन्स पॉजिटिव होगा।
इसका मतलब ये हो गया कि आपकी वाई इक्वल टू के वाली जो लाइन होगी वो यहीं पर होगी और कहीं नहीं होगी। इसके ऊपर आप और ड्रॉ करके देख सकते हो, यहाँ दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, यहाँ पर देखोगे तो फिर से एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव होगा, ऊपर देखोगे तो फिर एक पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपको सिर्फ इसी सीन के अंदर दिखाई देगा जो आपके सामने अभी बनाया गया है। क्लियर है? अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका जो y इक्वल टू के वाली जो लाइन है वो इसको इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। तो अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप ये पॉइंट निकाल सकते हो, और ये पॉइंट जब निकालोगे तो आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो y की जो वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। लेकिन ये निकालने के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट होगा आपका 1 से 2 के बीच में। ठीक है, जो कैसे निकलेगा वो आप सबको पता होगा, इसके डिफ्रेंशिएशन से निकलेगा। एफ एक्स इक्वल टू जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन दी गई है उसी को लिख लो वापस, 3x² + 2x। एफ डैश एक्स किया 3x² - 6x + 2। इसके दो सॉल्यूशंस होंगे 6 + -36 - 3 × 2 × 4 = 6। सो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 ± कितना आएगा, 6 × 4 = 24, √12/6, दैट इज 2√3/6। सो 1 + √3/3 और 1 - √3/3। तो कौन सा नंबर 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा नंबर है ये। तो ये नंबर वापस आप अपने इक्वेशन में पुट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो देखिए वाई ऑफ के जो होगा वो कितना होगा, और k की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी y ऑफ दिस रूट, और ये रूट मान लेते हैं कि अल्फा है। तो अल्फा जब इक्वेशन में पुट करेंगे, α × α - 1 × α - 2, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो अल्फा कितना है, 1 + 1/√3। यहाँ पर इसमें से इसको जब 1 को सेपरेट कर दोगे तो ये बचेगा 1/√3, और जब 2 को सेपरेट करोगे तो ये बनेगा प्लस वन बाई रूट थ्री और -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसको और सोल्व किया तो ये बनेगा 1/√3, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/3 - 1, तो ये आएगा -2/√3। ये आपका फाइनली आंसर है। ऐसा कोई ऑप्शन, बिल्कुल आपको पहला ऑप्शन ही दे रखा है, -2√3/9, यही आपका आंसर। इसको ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए और तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपका वेक्टर से है, ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर्स है सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए, जिसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है आपके सामने, और ए बी सी नॉन जीरो आपको वेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ए बी सी अगर नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है, और आपको बी और सी के बीच में एंगल थीटा भी दिया गया है, तो वहां से आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। करते हैं बात, देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पता होगा सबको। जब भी देखिए ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे याद रखेंगे, पहले हमेशा दूर जाते हैं और फिर पास में आते हैं, क्यों, उससे काफ़ी चीज़ें अच्छी होती है, ठीक है ना, लाइफ में अच्छी होती है। पहले हमेशा दूर जाना चाहिए फिर किसी के पास में आना चाहिए, उससे चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले दूर वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देयर विल बी ए डॉट सी, तो बच गया वेक्टर उसको लिख दें, माइनस फिर पास वाले के पास जाएंगे तो बी डॉट सी इंटू ए। ये तो आ गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट, और ये आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 1/3 mod b mod c ए वेक्टर के। अब देखिए ये वेक्टर इसके इक्वल है और ए बी सी आपके पास नॉन जीरो वेक्टर है, तो इधर तो बी और ए का कॉपीसेंट है और इधर सिर्फ ए का कॉपीसेंट है, तो सबसे पहले तो जो बी का जो कॉपीसेंट है ना वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो बी का कॉपीसेंट मीन्स ए डॉट सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब ए डॉट सी जीरो हो जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का जो बी डॉट सी है
that will be equal to mod b mod c divide by 3. इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा दें तो आपको देखो क्या मिलता है, माइनस मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, बस यही मिलेगा, इक्वल टू मॉड बी मॉड सी डिवाइड बाई 3. तो ये कट जाएंगे और कॉस थीटा आ जाएगा माइनस 1/3. कॉस थीटा माइनस 1/3 है, मीन्स थीटा आपका 90 से 120 के बीच होगा. लेकिन आपसे साइन थीटा पूछा है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है. और वैसे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1/9, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/9 का रूट. लेकिन कैसा? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास में जो कॉस साइन होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. और वैसे भी आपको कोई नेगेटिव ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा 2√2/3. ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर देखिए आपको तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है और आपको बोला गया है कि इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन है. तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती या क्या नहीं होगी इसके ऊपर आपको कमेंट करना है. क्लियर है? तो देखिए आपको ये बोला गया है कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा, ये नहीं बोला गया कि एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन के. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चारों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4. तो अगर एक सॉल्यूशन है तो आपके पास में डेल्टा कैसा आ जाएगा? नॉन जीरो आ जाएगा. तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि इसका तो एक ही सॉल्यूशन है. ठीक है, और हो सकता है कि वहां से आप किसी चीज़ को कमेंट कर पाए. बट यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जब आप डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा क्या होता है? कोएफिशिएंट से बना हुआ जो डिटर्मिनेंट है वो, तो वो है आपके पास 1 1 1 1 2 4 और साथ में आएगा 1 4 10. तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको डेल्टा की वैल्यू 0 मिल जाएगी. तो डेल्टा 0 आने का मतलब ये हो गया कि अब आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3, ये तीनों कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जब तीनों 0 होंगे, अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो हो गया तो आपके पास में क्या बन जाएंगे? पैरेलल बन जाएगी, प्लेन पैरेलल बन जाएंगे, तो फिर नो सॉल्यूशन हो जाएगा. और जब इन तीनों को आप जीरो करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटेशन वाला पार्ट है, डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा और वो होगा आपका लैम्डा इक्वल टू 2. क्लियर है? ठीक है, वो आपको इससे भी पता चल जाएगा, पहले वाले में जैसे लैम्डा की वैल्यू 2, लेकिन आप 2 और 3 में भी अगर निकालेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या होते हैं? सबसे पहले जो हम आपकी जो पहली कॉलम है उसको आपको जो कॉन्स्टेंट टर्म है उससे रिप्लेस करना है, फिर सेकेंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करना है, और फिर थर्ड कॉलम को आपको कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करना है. तो आपको इन तीनों की वैल्यूज मिल जाएगी. क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे कंप्लीट, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है. डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 है तो इन तीनों को भी 0 होना पड़ेगा, और तीनों को जब 0 करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू 2 मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखिए आपको क्या दिया गया है कि द इक्वेशन दिस एंड दिस द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मीटिंग द सर्कल दिस इन 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस 2 यूनिट. देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़े. आपको एक सर्कल दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है 3,4, जिसको ध्यान से देखेंगे तो इसी सर्कल पे लाई कर रहा है. ठीक है, तो एक कोई पॉइंट है 3,4 जिससे इसके ऊपर 2 यूनिट पर आप ऐसे दो लाइन्स बना सकते हो, एक ये और एक ये. तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन को आपको क्या करना है? निकालना है. ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मीटिंग द सर्कल दिस इन 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम 3 एंड 4. ठीक है ना, 3,4 से 2 यूनिट पर जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आपको क्या करनी है? निकालनी है. अब देखो कैसे निकालेंगे. तो क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये भी आपके सर्कल के ऊपर ही है, ठीक है, और ये इन दोनों से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, x1 y1 और x2 y2. ठीक है, और आपको इस वाली इक्वेशन का क्या करना है, इसका आपको इक्वेशन निकालना है. जो स्ट्रेट लाइन दी गई है उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो 2 यूनिट पर अगर 3,4 को अपन सेंटर लेकर के अगर एक और सर्कल बना ले, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी जो आपको चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन, वो आपकी कॉमन कॉर्ड बन जाएगी.
क्लियर है। और कॉमन कोड जब बन जाएगी तो वहां से फिर आपको क्वेश्चन को करना और इजी हो जाएगा, क्लियर है। कैसे? क्योंकि ये सेंटर और रेडियस 2 होगा तो वो जो सर्कल होगा वो इसी इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करेगा और उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको एस 1 ले लीजिए जो आपको दिया गया है और इसको एस 2 ले लीजिए। तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, ये इन दोनों की कॉमन कोड है और कॉमन कोड का इक्वेशन निकालते हैं हम एस 1 माइनस एस 2 इक्वल टू 0 से। तो आपको यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 25 माइनस 4। ये भी माइनस हो जाएगा सर, क्लियर है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से आएगा 6x प्लस 8y माइनस 9 माइनस 16 इक्वल टू 19। सो 6x प्लस 8y इक्वल टू 38। सो 3x प्लस 4y इक्वल टू 90। ऐसा जो आपको ऑप्शन दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ की है। 16 और यहाँ से कितना आएगा 9, तो 16 और 9 25 होगा। तो 25 जब इधर आएगा तो ये 38 नहीं होगा, 19 प्लस 25 46 होगा, तो यहाँ पर आएगा 23। और 23 ऐसा ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर 1। सो 19 का आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखिए आपको डिफरेंशिएशन पूछा है और डिफरेंशिएशन को देख करके बच्चे बड़े खुश होते हैं, चलिए डिफरेंशिएशन पूछा है ये क्वेश्चन तो कर ही देंगे, बाकी चाहे कुछ हुआ या नहीं हुआ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर देंगे। लेकिन देखिए कई बार डिफरेंशिएशन के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये भी उनमें से एक है, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है, पहले आपको फंक्शंस निकालना होगा फिर डिफरेंशिएट करना होगा। इसके लिए पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना है 0 से y dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सबसे पहले लेमनीज से इसका दोनों साइड y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dy आ जाएगा। y इसमें पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dy जो 1 हो जाएगा। इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि हम जब लेमनीज लगाते हैं तो वहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इधर y इधर x दिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन में आपको उल्टा दिया गया है, इधर x और यहाँ पर y है, तो आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ से कितना मिलेगा आपको dx इक्वल टू dy डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो आपको मिलेगा x इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस c। अगर हम यहाँ पर y को 0 पुट कर दें तो x भी 0 आ जाएगा क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाएगी, तो उस केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है 0। तो इसमें y और x को जब 0 पुट करेंगे तो c 0 आएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा tan इनवर्स y इक्वल टू x। सो y इक्वल टू आ जाएगा आपका tan x। अब आप इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सबको आता है। सो dy बाई dx हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, और एक बार फिर करेंगे d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो मिलेगा आपको 2 sec x इंटू sec x का sec x tan x। अब हमने कर तो दिया लेकिन हमें कोई आंसर मैच नहीं खा रहा है, तो कोई बात नहीं है, इसको मैन्यूपुलेट कीजिए क्योंकि आपको आंसर tan में दिए गए ज़्यादातर, तो इसको tan में कन्वर्ट कीजिए। जैसे इसको tan में कन्वर्ट करेंगे आपको मिल जाएगा आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। वहाँ से tan x और 2 को कॉमन ले लीजिए तो आपको ऐसा ही मिलेगा 2 tan x into 1 plus tan square x। तो ये हमने इसके जो भी आपके पहले 20 क्वेश्चंस थे नॉर्मल टाइप वाले वो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे बात करते हैं इसके अंदर इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए आगे बात करते हैं इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, लिमिट से रिलेटेड है, ठीक है, x बिलोंग टू 0 टू 1 और यूनियन 1 टू 2 और दैट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए ये लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि देखिए आपको दो इंटरवल दिए हैं ना 0 से 1 और 1 से 2, तो जो cot पाई x अपॉन n है वो आपका अगर x बिलोंग टू 0 टू 1 होगा तो जो पाई पाई 4x है वो आपके पास में कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर के पाई पाई 4, और cot के अंदर अगर आपके पास में 0 से पाई पाई 4 के बीच का नंबर होगा तो ये नंबर कहाँ तक अप्लाई करेगा, ये आपका करेगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच।
और इसकी पावर जब आप इन्फिनिटी करेंगे तो वो कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे जब x बिलोंग टू 1 से 2 होगा, ठीक है ना, तो कॉट के अंदर जो वैल्यू होगी वो पाई पाई 4 से बड़ी होगी, ठीक है ना, पाई पाई 4 से ग्रेटर होगी। तो ये जो नंबर होगा ये होगा आपका 0 से 1 के बीच में, और इसकी जब पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए, आप अपने फंक्शन को ऐसे तीन पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। जब x बिलोंग टू 0 टू 1, तो क्योंकि जो कोट वाली जो टर्म है ना वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, तो उससे आप पूरे फंक्शन को डिवाइड कर दीजिए। तो पूरे फंक्शन को डिवाइड करोगे तो ये तो बन जाएगा a टाइम x इंटू x माइनस 1। आगे वाली टर्म के में क्योंकि डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाएगा तो ऊपर जो भी है ये 0 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये 1 और ये 0 हो जाएगा। ये तब है जब x बिलोंग टू 0 टू 1, ठीक है ना। पहला केस, व्हेन x बिलोंग टू 0 टू 1। व्हेन x बिलोंग टू 1 से 2, तो आपके सामने कॉट वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो उसको डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिए। तो उसको 0 पुट करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको पी एक्स स्क्वायर प्लस 2, 0 प्लस दिस डिवाइड बाई 0 प्लस 1, इस टाइप का आपको मिल जाएगा। और तीसरा केस आपको डायरेक्ट दिया गया है, दैट इज 0 व्हेन x विल बी 0, सॉरी x विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। 1 के ऊपर आपको वैल्यू दी हुई है फंक्शन की, दैट इज 0। अब देखिए, आपके पास में ये फंक्शन आ गया है f ऑफ x विल बी इक्वल टू, पहला है आपके सामने ax स्क्वायर माइनस ax, दूसरा फंक्शन है आपके सामने px स्क्वायर प्लस 2, और तीसरा फंक्शन है 0। ऐसा तब है जब x बिलोंग टू 0 टू 1, ऐसा तब है जब x बिलोंग टू 1 से 2, और ये तब है जब x इक्वल टू 1। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से टेकल कर सकते हो, क्योंकि मेन इसके अंदर जो काम था ये सिंप्लीफिकेशन वाला था जो हम लोगों ने कर लिया है। इसमें ध्यान रखिए, ये जो हमने सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब भी आप 0 से 1 के बीच के नंबर की पावर इन्फिनिटी करते हो तो वो टर्म 0 हो जाती है, और 1 से बड़े नंबर की पावर अगर आप इन्फिनिटी करते हो तो वो टर्म इन्फिनिटी हो जाती है। और इस तरीके से आपको उसको क्या करना है, अप्रोच करना है। आगे बात करते हैं, आगे अब सिंपल बात है। सबसे पहले तो क्योंकि ये x इक्वल टू 1 पर डिफ्रेंशिएबल है तो इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो इसके अंदर जब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ से जब आप बात करेंगे f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू होगा f ऑफ 1 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू होगा f ऑफ 1 नेगेटिव। क्लियर है? तो देखते हैं क्या आएगा। देखिए, f ऑफ 1 तो 0 है, f ऑफ 1 पॉजिटिव है आपके पास में p प्लस 2, और f ऑफ 1 नेगेटिव आएगा आपके सामने a माइनस a। तो a की तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, बट यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज माइनस 2। क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें जब कंटिन्यूअस हो तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये आ जाएगा 2ax माइनस a, ये आ जाएगा 2px, ये 0 ही रहेगा, और ये आपके इंटरवल एज इट इज 0 से 1, 1 से 2 और 1, ठीक है ना, x बिलोंग टू x इक्वल टू। अब क्योंकि x इक्वल टू 1 पर डिफ्रेंशिएबल है तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या होगा, सेम होगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा आपको 2p1 पर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा 2a माइनस a, सो 2p विल बी इक्वल टू आ जाएगा a। क्लियर है? p हम निकाल चुके हैं पहले, माइनस 2 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। a माइनस 4 और p माइनस 2, तो आपको दोनों के सम का मॉडुलस पूछा गया है, तो माइनस 6 का मॉडुलस, योर आंसर विल बी 6, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में है नंबर ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर विथ सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 43। अब देखिए, ये क्वेश्चन जब सामने आया आपके, तो आपकी क्या चीज़ क्लिक की कि यार सम ऑफ डिजिट दिया गया है तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, सीधा यही दिमाग में आया। लेकिन देखिए, 5 डिजिट के नंबर का सम 43 दिया गया है, और क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो किसी न किसी तरीके से आंसर निकलेगा पक्का। तो 43 एक काफ़ी बड़ा नंबर है 5 डिजिट्स के डिजिट्स में। अगर हम सारे डिजिट्स को 999 ले लें तो आपका मैक्सिमम सम हो सकता है 45, और 43 आपका नियर बाई 45 है, दैट मीन्स इसके अंदर कुछ स्पेशल केस ही बनेंगे। तो आपके सामने 5 डिजिट्स का सम 43 कब हो सकता है, या तो 4 9 और 1 7 हो जाए, और या फिर आपके सामने 3 9 और 2 8 हो जाए। क्लियर है? बस अब आपका काम कंप्लीट हो गया।
इन दो के अलावा कोई तीसरा केस पॉसिबल ही नहीं है जिससे सम 43 हो जाए और आपका नंबर 5 डिजिट का हो। इसके केस आप निकाल सकते हो, ये है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट्स देखेंगे, ये है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 10, आपका आंसर 50। जैसे मैंने आपको कहा था पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में बस आपको दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा, ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग आपने लगा दिया तो आपका आंसर बहुत ही इजीली इस तरीके से आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से है, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान रखिए, वैसे आपका 23rd क्वेश्चन है ये, क्लियर। देखिए इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे, 2 से 3, 3 माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको 7। देखिए बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसको फंक्शन 1, इसको फंक्शन 2, तो कैसे लगाते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसमें लिमिट पुट कर दीजिए 2 से 3, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन, और इसको एक बार फिर इंटीग्रेट करना है 2 से 3, और ये दिया हुआ है आपको 7। इसमें लिमिट पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो आएगा माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ 2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एफ डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स, और इसमें लिमिट पुट करेंगे 2 से 3, और ये दिया हुआ है आपको 7। एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू है 4, इसको इंटीग्रेट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू है माइनस 1, तो ये बन जाएगा प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 7। तो जैसे मैंने कहा था आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपसे जो पूछा गया वो डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस 3 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 10, सो एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 10 आ जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा ध्यान से इंटीग्रेट कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन करते टाइम पर कोई गलती ना हो ऐसी कोशिश करना, क्योंकि ऐसे जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन एरर की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए बात करते हैं, देखें इसको सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको इधर ले आए y वाली टर्म को, ठीक है, तो एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उधर सिर्फ बचा x वाली टर्म डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि y की टर्म एक ही जगह पर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आएगा e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर 1 बाई 2, इसको t पुट करोगे तो ये बन जाएगा log t 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 को पावर में ले गए तो e टू दी पावर ln रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बेस भी e है तो कट करके आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया गया है वो इंटू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इसका इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानते हैं, तो x dx बन जाएगा t dt, देखते हैं कितना आता है, उधर है y इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा x dx बन गया t dt, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपके पास में t, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है आपके सामने t स्क्वायर, तो ये तो कट गया सारा, कट करके आ जाएगा 1 इंटू dt, सो दैट विल बी इक्वल टू t प्लस c, y इंटू दिस विल बी इक्वल टू t प्लस c, t किसको माना था, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू दे रखी है आपको 4/3, तो x को जब 0 पुट करेंगे तो y है 4/3, ये 1 प्लस 0 का रूट इक्वल टू 1 प्लस सी,
तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सी की वैल्यू 1/3 देखो जब आप पुट करोगे तो कितना आएगा, तो सी की वैल्यू 1/3 पुट करने से आपको फंक्शन मिल जाएगा y इक्वल टू 1+c अपॉन रूट ओवर 1+x2। सी कितना था 1/3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अब आपको निकालना है y ऑफ रूट ऑफ 8, मीन्स x की जगह पे रूट 8 पुट करना है। सो 1+1/3 इंटू रूट 8 पुट करोगे तो ये बनेगा रूट 9। सो दैट विल बी इक्वल टू 1+1/9। और साथ में आपको इसके अंदर 8/9 का एडिशन करना है, तो 8/9 का एडिशन करोगे तो ये बन जाएगा 2। तो y ऑफ रूट ऑफ 8+8/9 कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखें थोड़ा सा कैलकुलेशन का, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना थोड़ा सा लंबा आ रहा है। फिर इसको यहाँ पर लिखा, फिर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके सी निकाला, सी निकाल करके रूट 8 पुट किया, तब जा करके हमारा आंसर आया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। आगे बात करते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और उसमें दिया गया है कि द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन हैज ए यूनिक टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो यूनिक टेंजेंट होने का क्या मतलब है, कि उस बिंदु के ऊपर आपके पास में इस पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट है, और एक ही टेंजेंट है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि वहां पर आपके पास में एफ डैश एक्स की वैल्यू कुछ एक यूनिक ही मिलेगी, क्लियर है। साथ में आपको ये भी दिया गया है कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो है। जो पॉइंट आपको दिया गया है e^α, वहाँ पर आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो सबसे पहले तो आपको ये दे रखा है कि एफ डैश एक्स जो है वो आपका यूनिक है, मीन्स कोई वैल्यू है इसकी कॉन्स्टेंट के। और दूसरा आपको दे रखा है कि एफ ऑफ ई ऑफ एल्फा जो है वो आपका कितना है, जीरो। इस बिंदु पर y की वैल्यू क्या है, जीरो। इस पॉइंट पर y कितना आ रहा है, जीरो। तो आपको ये लिमिट पुट करनी है। तो देखिए इसमें जब आप e^α पुट करेंगे तो आपको मिलेगा log 1+7 टाइम f ऑफ e^α जो जीरो है, माइनस साइन f ऑफ e^α, अगेन ये कितना हो जाएगा, जीरो, और डिवाइड बाय 3 टाइम f ऑफ e^α, ये भी कितना है, जीरो। तो ये है आपके पास 0 - 0/0, दैट इज 0/0 फॉर्म। और अगर 0/0 फॉर्म है तो हम इसमें LH रूल यूज कर सकते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन करने से आएगा 1/1+7 टाइम एफ एक्स, फिर 7 एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा 7 टाइम एफ डैश एक्स, साथ में साइन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा कॉस एफ एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर से एफ डैश एक्स, और डिवाइड बाई 3 टाइम एफ डैश एक्स। क्योंकि देखिए एफ डैश एक्स की एक यूनिक वैल्यू है कॉन्स्टेंट के, तो इसको आप कॉमन लेकर के यहाँ से काट सकते हैं, क्लियर। अगर वो चीज़ आपको नहीं दी हुई होती तो फिर आप इसको इस तरीके से नहीं काट सकते थे, क्लियर है। बट ये आपको दे रखा है तो आप इसको काट सकते हो। रिमेनिंग पार्ट के अंदर जब आप पुट करेंगे तो आपको देखो कितना मिलेगा, ऊपर 7/1+e^α पुट करोगे तो ये एफ ऑफ जीरो बन जाएगा, एफ ऑफ e^α जीरो आ जाएगा। तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, जीरो। माइनस कॉस एफ ऑफ जीरो होता है आपके पास में, कॉस ऑफ जीरो इज 1, और डिवाइड बाई 3। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 7 - 1/3, दैट इज 6/3, दैट इज अगेन 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 2 है, क्लियर है। तो इसी के साथ आपके इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी टाइप का, ठीक है, तो आप डाउट क्लास में आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी किसी भी टाइप के डाउट्स हो, ठीक है, तो आप डाउट क्लास में आए, अपने डाउट्स कंप्लीट करें, तो आगे बात करेंगे फिर नेक्स्ट पेपर का, नेक्स्ट सॉल्यूशन।